सो गाइस, इस मूवी के अंदर तुम लोग देखने वाले हो कैसे फ्रैंकलिन अवेंजर्स गोको नारुतो सर्बियन डांसिंग लेडी और उसके चेलों से लड़ते हैं और उसको रोकते हैं लॉस सेंटोस को तबाह करने से। गाइस, अभी इस मूवी की और भी पार्ट्स आने वाले, तो तुम लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि गाइस मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इस मूवी को आगे बढ़ाने का। गाइस, बीच की मिट्टी से बना मेरा ये महल बस अब तैयार ही होने वाला है, बस इसको थोड़ा सा और सेट करना है। एंड गाइस, फाइनली यार मेरा महल बनके तैयार हो चुका है, कितना ज्यादा ओपी लग रहा है, एक बार तुम चेकआउट करो। गाइस, यहाँ पे सिंचन ने भी महल बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन उससे महल तो बना नहीं, उसने बाल्टियां बना दी। वैसे गाइस, आज लॉस सेंटोस का मौसम काफी ज्यादा ओपी हो रहा है, बट यार गाइस हमारी जिंदगी बिल्कुल भी ओपी नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हें पता है सर्बियन डांसिंग लेडी हमारे पीछे हाथ धोके पड़ी हुई हमें मारने के लिए। गाइस, मैं बातों बातों में भूल ही गई कि सिंचन और चॉप कहाँ चले गए। एक मिनट गाइस, सिंचन और चॉप ये रहे और साथ ही सिंचन के दोस्त भी है यहाँ पर, ये लोग कहाँ से आ गए। एक मिनट गाइस, यहाँ पे तो सिंचन और टिल्लू के बीच में पुशअप चैलेंज चल रहा है, चलो गाइस देखते हैं कौन जीतता है। तुम कमेंट करके बताओ कौन जीतेगा। दम लगा के हईशा, दम लगा के हईशा। फ्रैंकलिन भैया देख लेना, मैं जीतूंगा यार। सिंचन मतलब थोड़ी देर के अंदर पता लग ही जाएगा कि कौन जीतने वाला है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मैं हार गया यार, मेरे से और पुशअप नहीं हो पा रहे। ओहो गाइस, टिल्लू को तो देखो कितने पुशअप मारा, रुक के नहीं दे रहे। तो 101, 102, 103। चल टिल्लू बहुत पुशअप कर ले तूने, चल फटाफट उठ जा। हाँ फैकिन भैया उठ रंग। फैकिन भैया मैं तो सिंचन भाई से जीत गया। गाइस, मेरे को लग नहीं रहा था कि सिंचन से टिल्लू जीत जाएगा पुशअप चैलेंज में, लेकिन वो जीत गया। अबे सिंचन और चौबे तुम्हारा दोस्त है क्या? अरे नहीं यार फैकिन भैया, ये हमारा दोस्त नहीं है। अबे ये बिल्कुल सर्बियन डांसिंग लेडी की तरह डांस कर रहा है। तुम सब मरोगे आज फ्रैंकलिन, मैंने सर्बियन डांसिंग लेडी को तुम्हारी लोकेशन भेज दी है। मतलब गाइस, इतनी देर से सर्बियन डांसिंग लेडी का चेला बच्चे के रूप में आके हमारी जासूसी कर रहा था, वो सर्बियन डांसिंग लेडी को लोकेशन भी भेज दी हमारी। अरे आप बस अब कल भाई जायज का भूत भर दे। अरे आप फैकिन भैया मारो उसको, मारो। तू तो गया बेटा, अब नहीं बचेगा तू मेरे हाथों से। अरे गाइस, इसने तो गन निकाली। अबे भाई पूरे गन मार रहा है मेरे। अबे निकल यहाँ से। गाइस, इसको फटाफट मेरे को मारना पड़ेगा, वरना ये मेरे को पेल देगा यहीं पे। फाइनली गाइस, मैंने इसको तो यहाँ पर मार दिया है। मेरे को लगता है गाइस हमें फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकेशन हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सर्बियन डांसिंग लेडी को हमारे बारे में पता लग चुका है कि हम यहाँ पर हैं, वो कभी भी यहाँ पर आ सकती है। सिंचन और चौपे, टिल्लू और राजू कहाँ चले गए? अरे यार फैकिन भैया मेरे को नहीं पता कहाँ चले गए, मेरे को लगता है डर के भाग गए वो। सिंचन और चौप, हमें भी यहाँ से जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, क्योंकि सर्बियन डांसिंग लेडी यहाँ पे कभी भी आ सकती है। और बस अब कल हुआ, इससे पहले कि हम यहाँ से निकलते हैं, देख पीछे कोई आ गया यार। चौप, ऐसे टाइम पे मजाक बिल्कुल अच्छे नहीं लगता यार, प्लीज मजाक मत कर, वैसे ही बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तू और डरा रहा है। अरे यार फैकिन भैया वो झूठ नहीं बोला, एक बार पीछे तो देखो। अच्छा अच्छा, सिंचन और चौप में पीछे देख रहा हूँ। गाइस, पीछे देखने में डर तो लग रहा है, लेकिन यार देखना तो पड़ेगा। अबे सिंचन और चौप मेरे पागल बनाते हो, कोई भी तो नहीं पीछे। अरे यार फैकिन भैया झूठ नहीं बोले, कोई था अभी यार। अबे यार फालतू में मजे मत लो मेरे से इस टाइम पे तुम। अरे यार फैकिन भैया पीछे देखो, वो दोबारा से आ गया यार। मेरे को लगता है गाइस सिंचन और चौप झूठ नहीं बोले, लगता है असलियत में कोई पीछे आ चुका है, चलो चेक करते हैं एक बार। अबे ये कौन है भाई? फ्रैंकलिन भूल गए मुझे, मैं हूँ डेविल बॉस। लेकिन तुम तो डेविल बॉस की तरह लग ही नहीं रहे। फ्रैंकलिन मैं वो पुराने वाला कमजोर डेविल बॉस नहीं रहा, अब सर्बियन डांसिंग लेडी ने मेरे को बहुत ज्यादा पावर दे दी है, अब मैं बन चुका हूँ बहुत ज्यादा पावरफुल, और आज मैं तुझे और सिंचन चौप को मार दूंगा। गाइस यहाँ पे ना तो क्रेटोस है और ना ही अवेंजर्स है, मेरे को नहीं पता अब हमें कौन बचाएगा इससे। एक काम करो सिंचन और चौप, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इसको देख लूंगा। अरे यार फैकिन भैया हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। ऐसी बात है तो सिंचन और चौप, तुम एक काम करो कि फटाफट घर पे जाओ और वहाँ पे जाके अवेंजर्स को कॉल मिला दो और उनसे कहना कि यहाँ बीच पर आ जाए मेरी मदद करने के लिए वो। ठीक है तो फैकिन भैया हम घर पे जा रहे हैं यार। सिंचन और चौप जल्दी जाओ, मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। अरे चौप जल्दी चल यार, हमें फैकिन भाई की मदद करनी है। और अब भाई साहब सिंचन तेरा पीछे आ रहा हूँ, तो चल। फ्रैंकलिन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, अब तो तुम मरोगे। गाइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं यहां से भाग भी नहीं सकता है, मेरे को एक मिनट के अंदर पकड़ लेगा। गाइस यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो इससे फाइट करने का। डेविल बॉस मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा, चल निकल यहां से। अबे ये तो हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। गाइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं इसके कितने गुस्से मारूं, कितने लाते मारूं, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। फ्रैंकलिन तुम कुछ भी कर लो मुझे हिला भी नहीं सकते। अरे यार कोई तो मेरी मदद करने के लिए आओ प्लीज, वरना ये मेरे को छोड़ेगा नहीं आज। फ्रैंकलिन यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, तुम तो आज मरोगे यहीं पे। अबे भाई कोई तो बचाने आ जाओ, वरना आज ये मेरे को पानी में डुबो डुबो के मारेगा। मुझे पता था ये सर्बियन डांसिंग लेडी शांत नहीं बैठने वाली, किसी न किसी को भेजेगी फ्रैंकलिन को मरवाने के लिए, इसलिए मैंने पहले से फ्रैंकलिन पे नजर रख रखी थी। गॉइस क्रेटोस मेरे को बचाने के लिए आ गया, लगता है तुम लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और जिसने नहीं कराया वो फटाफट कर दे। फ्रैंकलिन अब ये नया नमूना कौन है? क्रेटोस इसका नाम है, डेविल बॉस। डेविल बॉस अब भी टाइम है तो यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरे को बिल्कुल डार्क लॉर्ड की तरह मारूंगा। क्रेटोस मैं डार्क लॉर्ड नहीं हूँ, मेरा नाम डेविल बॉस है और मैं डार्क लॉर्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ अब, मतलब कि डेविल बॉस तुम यहाँ से नहीं जाओगे।
जब तक मैं क्रेटोस तुझे और फ्रैंकलिन को नहीं मार लेता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तो फिर तैयार हो जाओ डेविल बॉस, मौत का मजा चखने के लिए। अब तुम मेरे से नहीं बचने वाले, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। बहुत सुन ली तेरी क्रेटोस मैंने, अब तू तैयार हो जा मरने के लिए। आ जा तो फिर डेविल बॉस, पता लग जाएगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। अरे ये क्या फ्रैंकलिन, ये डेविल बॉस कहाँ चला गया? लगता है मेरे से डर के भाग गया। क्रेटोस ही डर के भागने वालों में से नहीं है, ये तुम पे कभी भी अटैक कर सकता है, बच के रहो। फ्रैंकलिन मुझे नहीं लगता वो आएगा, वो मेरे से डर गया है। अरे क्रेटोस बच के वो आ गया। अरे ये कहाँ से आ गया? तू तो गया क्रेटोस, आते छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे अरे ये क्या, इनने मेरे को पकड़ लिया और इतनी दूर फेंक कैसे दिया? इस पे इतनी सारी पावर्स कहाँ से आ गई? क्रेटोस तू नहीं बचेगा मेरे हाथों से, मेरे को हल्के में ले रहा था, तू तो पिटेगा आज मेरे से बहुत बुरा। अरे नहीं, एक बार खड़ा होने दे, रुक जा। अबा चल निकल यहाँ से, चल निकल। अरे इसको कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा? अरे इसने रॉकेट लॉन्चर ही मेरे सीने में डाल दिया। अरे तू नहीं बचेगा आज क्रेटोस मेरे हाथों से। रुक तेरे अंदर मैं रॉकेट लॉन्चर डालता हूँ। ये फ्रैंकलिन बेवकूफ रॉकेट लॉन्चर मेरे को मार रहा है, लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तू मरेगा। अरे नहीं, रॉकेट लॉन्चर मेरे सीने में डाल दिया दोबारा। अरे पानी में ले आ ले आके मार रहा है। डेविल बॉस को हराने के लिए मुझे पानी से निकलना पड़ेगा। अरे नहीं, ये कहाँ से आ गया? अरे तू नहीं बचेगा क्रेटोस, कहाँ पे भी भाग ले। अरे कहाँ भाग रहा है क्रेटोस? अरे भागो यहाँ से, ये छोड़ेगा नहीं मुझे। पानी के अंदर ये बहुत ताकतवर होता है, अगर मुझे इसको हराना है तो पानी के बाहर लड़ना होगा मुझे इससे। जब सर्बियन डांसिंग लेडी का चेला इतना ज्यादा पावरफुल है, तो सर्बियन डांसिंग लेडी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी, मैं तो यही सोच रहा हूँ। अरे ये कहाँ से आ गया एकदम से? अरे दोबारा पानी में लेके जा रहा है। अरे तेरे को तो पानी के अंदर ही मारूंगा क्रेटोस, डुबो डुबो के। अरे मेरी पावर क्यों काम नहीं आ रही इसके सामने? मैं इसको मार ही नहीं पा रहा, ये बल्कि मेरे को मारे जा रहा है। मेरे को पानी से निकलना पड़ेगा, पानी से बाहर निकल के लड़ फिर तेरे को बताता हूँ। अरे ये क्या, ये तो पानी में ले आके मारा है बार बार। मेरे को फटाफट पानी में से निकलना पड़ेगा क्रेटोस, तेरे को तो मैं पानी के अंदर ले आके मारूंगा। अरे भारा फिर तेरे को बताता हूँ मैं डेविल बॉस। इधर आ भारा, भारा हिम्मत है तो कांग गया भारा, तेरे इंतजार कर रहा हूँ। अरे ये कौन से आ गया? क्रेटोस आज मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा, आज तुम मुझसे नहीं बच सकता। डेविल बॉस तू हर बार पीछे से मारता है, हिम्मत है तो सामने यार, फिर तेरे को बताता हूँ मैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। आ गया सामने क्रेटोस, अब तुझे बताता हूँ कौन ज्यादा पावरफुल है, चल निकल चल निकल। अरे फ्रैंकलिन देख के मार रॉकेट लॉन्चर, तूने मेरे पे मार दिया। अरे सॉरी सॉरी क्रेटोस। आ जाओ डेविल बॉस, अब मैं तुझे अपनी असली पावर दिखाता हूँ, इधर आ। तू तो गया डेविल बॉस, चल निकल चल निकल। आया समझ में कौन ज्यादा पावरफुल है? अबे यार फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, मेरे क्यों मार रहा है? अरे सॉरी सॉरी क्रेटोस। अबे अबे पकड़ लिया दोबारा से इस डेविल बॉस ने मेरे को। अबे फ्रैंकलिन तेरे चक्कर में बार बार पिट रहा हूँ मैं, अब बहुत गुस्सा आ रहा है, तू नहीं बचेगा डेविल बॉस मेरे से, चल निकल चल निकल। अरे मरा क्यों नहीं है, कितना मारूं, बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे ये अभी तक मर के नहीं दिया, इधर दोबारा चल निकल, एक ही गुस्से में बाहर पहुंचा दिया ना। अरे ये बार बार उछल उछल के आता है। अरे यार क्रेटोस नहीं बचेगा मेरे से आज। अरे बहुत हो गया, चल निकल, तू तो गया मेरे हाथ से, बहुत मारूंगा तुझे डेविल बॉस, इतने गुस्से मारूंगा कि तुम याद करोगे। अरे नहीं, अरे बहुत हो गया तेरा क्रेटोस, अब तू गया, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अबे तू क्या मुझे नहीं छोड़ेगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चल निकल डेविल बॉस के बच्चे, चल एक और खा। अरे अब तो मर गया होगा। अरे ये कहाँ से आ गया? क्रेटोस अब बहुत हो गया, अब तू मरेगा। अबे फ्रैंकलिन रॉकेट मत छोड़िए, रॉकेट पकड़ के मेरे सीने में डाल देता है, तू तो मरेगा क्रेटोस, ये रॉकेट मैंने तेरे अंदर डाल दिया। अरे नहीं मैं गया। फ्रैंकलिन इस क्रेटोस को तो मैंने मार दिया, अब बारी है तेरी, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? लगता है गाइस यहाँ पे मेरे मरने का टाइम आ चुका है, क्योंकि क्रेटोस भी मेरे को नहीं बचा पाया इस डेविल बॉस से। अब पता नहीं गाइस ये डेविल बॉस मेरे साथ क्या करने वाला है। तैयार हो जा फ्रैंकलिन, अब तुम मरने वाले हो। ओए डेविल बॉस फ्रैंकलिन को टच भी मत कर लियो। फ्रैंकलिन अब कौन आ गया तुझे बचाने? लगता है उसको भी क्रेटोस की तरह मरना है, अभी देखता हूँ कौन है ये। अरे ये क्या, ये तो एक बच्चा है। अबे बच्चे जा अपने घर पे जा और स्कूल का काम कर, यहाँ पे क्या कर रहा है, मरना चाहता है क्या? ओए जुबान संभाल के बात कर, वरना जुबान निकालूंगा तेरी मैं डेविल बॉस। इस बच्चे की आवाज तो बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं लग रही, लगता है कुछ ज्यादा शरारती बच्चा है ये। ओए बच्चे यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे मार दूंगा। डेविल बॉस मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले फ्रैंकलिन को छोड़ो, फ्रैंकलिन मेरे साथ जाएगा। अबे बच्चे चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना यहीं पेल दूंगा तुझे मैं। मतलब तू फ्रैंकलिन को छोड़ेगा नहीं? नहीं छोड़ूंगा, फ्रैंकलिन को यहीं मारूंगा। तो फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। बच्चे तू मारेगा मुझे? हाँ तुझसे किया था कि यहाँ से चला जा, लेकिन तू नहीं जा रहा, अब मरने के लिए तैयार हो जा तू बच्चे। अरे ये डेविल बॉस कहाँ गया? लगता है डर के भाग गया मेरे से। अबे बच्चे वो डर के नहीं भागा, वो तेरे पे अटैक करने वाला है, भाग यहाँ से फटाफट। क्या मेरे पे अटैक करने वाला है वो? अरे एकदम से कहाँ से आ गया? बच्चे तू मरेगा आज। अबे छोड़ दे बच्चे को डेविल बॉस, बच्चा है उसको मत मार। फ्रैंकलिन तेरे साथ ही बच्चा ही मरेगा आज। बस बहुत हुआ डेविल बॉस, तू तो गया, अब
अरे नहीं, इस बच्चे पे इतनी ज्यादा पावर कहां से आएगा, इसने तो मेरा भूत बन दिया। डेविल बॉस ये तो शुरुआत है, अब देख मैं कैसे मारता हूँ तुझे। चल निकल चल निकल चल निकल, इतने गुस्से मारूंगा कि तू खून में लथपथ हो जाएगा। गाइस इस बच्चे पे इतनी ज्यादा पावर कहां से आ गई, इसने तो डेविल बॉस का एक मिनट के अंदर भूत भर दिया। फ्रैंकलिन मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस डेविल बॉस को मार दूं जरा। डेविल बॉस हिम्मत है तो सामने आओ, कहां चले गए? अरे बच्चे तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से, तुझे आज मैं मार कर रहूंगा। अबे तू क्या मारेगा, आज मैं तुझे मारूंगा। अरे नहीं बच्चे, कितनी तेज मार रहा है, आखिर तेरे पे इतनी पावर कहां से आ गई? अरे नहीं नहीं, कितने गुस्से मारेगा? अभी तो शुरुआत करिए, देख कितने गुस्से मारूंगा। अरे नहीं, तू तो गया डेविल बॉस, आज तू मेरे से नहीं बचेगा। अरे बच्चे तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं एक मिनट, अब तू गया डेविल बॉस, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल निकल चल निकल चल निकल। अरे इतनी तेज गुस्से मार रहा है, पत्थर फेंक के मारूंगा। तू पत्थर मारेगा मेरे? अबे रुक, तेरे पत्थर को भी तोड़ूंगा, तुझे भी। अरे नहीं, आखिर एक बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, कितने गुस्से मार रहा है, बस कर रहने दे। आज तो मैं तुझे मार के ही दम लूंगा डेविल बॉस, अब टाइम आ चुका है सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करने का, और इस अटैक के बाद तू बच नहीं सकता डेविल बॉस, तू तो गया। आखिर तेरे पे इतनी पावर्स कहां से आई? अरे बच्चे ये कौन सा अटैक करा तूने, मैं तो गया। अफसोस डेविल बॉस, तुझे कभी नहीं पता लग पाएगा कि ये पावर्स मेरे पास कहां से आई और मैं कौन हूँ। डेविल बॉस को तो मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, फटाफट जाता हूँ फ्रैंकलिन और क्रेटोस के पास। क्रेटोस, इस बच्चे ने अकेले डेविल बॉस को मार दिया। फ्रैंकलिन मैं कोई बच्चा नहीं, मेरा नाम गोकू है। गोकू आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप हमारी मदद करने के लिए आए बच्चे के रूप में। क्रेटोस तुम गोकू को जानते हो क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन, गोकू एक बहुत ज्यादा बड़ा वॉरियर है। तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया गोकू मेरी मदद करने के लिए। और इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है फ्रैंकलिन, इस दुनिया से सर्बियन डांसिंग लेडी को खत्म करना होगा, वरना वो सर्बियन डांसिंग लेडी दुनिया को खत्म कर देगी, वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। ये बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो गोकू, तुम्हारे पास कोई प्लान है सर्बियन डांसिंग लेडी को खत्म करने के लिए? अरे हाँ मेरे पास एक प्लान है, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो मैं जा रहा हूँ सर्बियन डांसिंग लेडी के अड्डे को ढूंढने के लिए, जहाँ पे सर्बियन डांसिंग लेडी और उसके सारे के सारे चेले छुपे हुए हैं। जब मेरे को सर्बियन डांसिंग लेडी का अड्डा मिल जाएगा फ्रैंकलिन, तो हम सब लोग मिलके उस सर्बियन डांसिंग लेडी और उसके सारे के सारे चेले को खत्म कर देंगे। गोकू हम तीनों मिलके तो सर्बियन डांसिंग लेडी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर हमारे साथ अवेंजर्स और मिल गए तो हम आराम से सर्बियन डांसिंग लेडी को मार सकते हैं और उसके सारे के सारे चेलों को भी। तो फिर हम ऐसे ही करेंगे फ्रैंकलिन। देखो फ्रैंकलिन मैं तो जा रहा हूँ सर्बियन डांसिंग लेडी के अड्डे को ढूंढने, तुम जाओ फटाफट सेंचुरियन चौक के पास, क्योंकि हो सकता है सर्बियन डांसिंग लेडी ने सेंचुरियन चौक को मरवाने के लिए किसी को भेजा हो। गोकू तुम एकदम सही कह रहे हो, तुम फटाफट जाओ सर्बियन डांसिंग लेडी के अड्डे को ढूंढने, मैं जा रहा हूँ सेंचुरियन चौक के पास। फ्रैंकलिन मैं भी जा रहा हूँ अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। हाँ क्रेटोस तुम भी जाओ अपनी पावर्स को बढ़ा कराओ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास इतनी पावर्स नहीं है कि तुम सर्बियन डांसिंग लेडी और उसके चेले को हरा पाओ। गाइस गोकू और क्रेटोस तो यहाँ से जा चुके हैं, तो चलो फटाफट हम भी चलते हैं सेंचुरियन चौक के पास। चौप फटाफट मेरे पीछे यार, हमें फैकन भाई को बचाने के लिए अवेंजर्स को कॉल करनी होगी। और पास सुन चैन आ रहा हूँ, तेरे पीछे ही आ रहा हूँ मैं। अब बस मुझे फटाफट फैकन भाई के मोबाइल को ढूंढना होगा। अरे ये क्या, ये डार्क लॉर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है? सिंचैन तू आ गया, तेरा ही इंतजार था मुझे, अब मैं तुझे सर्बियन डांसिंग लेडी के पास लेके जाऊंगा। अरे आप भाई सब डार्क लॉर्ड सिंचैन कहने जाएगा, चुपचाप निकल रहे यहाँ से। अबे कुत्ते तू बहुत बोलता है बार बार मेरे बीच में, चल निकल यहाँ से। और आप भाई सिंचैन बचा लो, मार देगा मुझे। अरे डार्क लॉर्ड चुप को छोड़ दे, चल निकल सिंचैन, तू भी बहुत बोलता है, अगर एक और बार आवाज निकले तो बहुत बुरा मारूंगा तुझे। ठीक है डार्क लॉर्ड, अब बोलूंगा नहीं कुछ। तैयार हो जा सिंचैन, अब मैं तेरे को लेके जा रहा हूँ सर्बियन डांसिंग लेडी के पास। अरे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कोई तो बचाओ मुझे इससे। गाइस के तुम्हें लगता है कि फ्रैंकलिन को पता लग पाएगा कि सर्बियन डांसिंग लेडी के चेले ने सिंचैन को किडनैप कर लिया है, और क्या फ्रैंकलिन सिंचैन को बचा पाएगा, देखो अगले एपिसोड में। और हाँ गाइस, अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार क्या कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। गाइस फाइनली मैं आ चुका अपने घर पे, बस उस सर्बियन डांसिंग लेडी ने सिंचैन और चॉप के साथ कुछ करा ना, और वो सब कौन सी गाड़ी निकाली, ठोकेगा क्या मेरे को? गाइस ये लॉस सैंटोस के लोग पागल हो रहे हैं, कैसी गाड़ी चला रहे हैं। गाइस ये कार जस्ट मेरे बराबर से निकली, अगर मैं थोड़ा और राइट साइड होता ना तो आज मेरा एक्सीडेंट हो जाता। एक तो गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी हमारे पीछे पड़ी है हमें मारने के लिए, और ऊपर से लॉस सैंटोस के लोगों ने और परेशान कर रखा है। एक मिनट गाइस, ये तो मेरे घर की चेयर है, रोड पे कहां से आ गई? मेरे को तो लग रहा है गाइस मेरे घर के अंदर कुछ गलत सीन हुआ है जरूर। एक मिनट गाइस, कहीं सर्बियन डांसिंग लेडी ने सिंचैन चॉप के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? फटाफट घर पे जाके चेक करता हूं। गाइस जब भी गोकू ने मेरे से कहा था कि जल्दी घर पे चले जाना, क्योंकि उसे पता था कि सर्बियन डांसिंग लेडी सिंचैन चॉप के साथ कुछ कर सकती है। अरे सिंचैन चॉप तुम घर पर हो? सिंचैन चॉप कुछ तो बोलो। गाइस इतनी बार बोले मेरे सिंचैन चॉप मेरे पास आए थे, लेकिन उनकी आवाज तक नहीं आई यहाँ पे। वेट गाइस, यहाँ पे मेरे घर का सामान बिखरा पड़ा है, जरूर कुछ तो हुआ है यहाँ पे। एक मिनट, ये रहा चॉप, और शायद से बेहोश हुआ पड़ा है। चॉप मेरी आवाज आ रही है तेरे को, कुछ बोलेगा? लगता है गाइस चॉप बेहोश हुआ है यहाँ पे। एक मिनट सिंचैन का है, चॉप तो यहाँ पर है,
कहीं सिंचन को सर्बियन डांसिंग लेडी दोबारा तो लेके नहीं चली गई। चलो गाइस एक बार सिंचन को घर में ढूंढने चलते हैं, हो सकता है वो भी हमें चौप की तरह बेहोश हुआ हुआ कहीं पे मिल जाए। सिंचन तो घर पर है गाइस, इतनी आवाज देने पे तो सिंचन भागा भागा मेरे पास आया था, लेकिन गाइस यहाँ पे उसकी आवाज तक नहीं आ रही। एक मिनट गाइस, यहाँ पे तुम देखो मेरे घर का शीशा टूटा पड़ा है। गाइस इतने तो मेरे को पक्का यकीन हो चुका है, जब मैं घर पर नहीं था तो सर्बियन डांसिंग लेडी ने सिंचन और चौप के साथ जरूर कुछ ना कुछ तो करा है। चौप तो बेहोश हुआ पड़ा है और सिंचन का यहाँ पे कोई आता पता नहीं है। गाइस यहाँ पे तुम देखो मेरे घर का ये वाला शीशा पूरा टूट चुका है। गाइस मेरे को लग रहा है सर्बियन डांसिंग लेडी दोबारा सिंचन को किडनैप करके लेके चली गई है। फ्रैंकलिन तुमने एकदम सही सोचा। अरे गाइस ये आवाज किसकी आ रही है? पीछे देखो फ्रैंकलिन। पीछे देखूं? अच्छा अबे ये कौन है? फ्रैंकलिन मैं हूँ सर्बियन डांसिंग लेडी का चेला जोकर। अच्छा तो तुम सर्बियन डांसिंग लेडी के चेले हो, तो यहाँ पे क्या करने आए हो? मेरे को मारने आए हो क्या? फ्रैंकलिन मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर। तो तुम यहाँ पर मुजरा करने के लिए आए हो क्या? फ्रैंकलिन पहले तो तू तमीज में बात कर, और अगर तू चाहता है सिंचन को वापस लाना तो मेरे साथ सर्बियन डांसिंग लेडी के पास चल। अच्छा सर्बियन डांसिंग लेडी के पास चलूँ ताकि वो सिंचन को भी मार दे और मेरे को भी मार दे एक साथ? हाँ नहीं फ्रैंकलिन वो तुम्हें मारने के लिए नहीं बुला रही, सर्बियन डांसिंग लेडी तुमसे सिर्फ बात करना चाहती है, और बात करने के बाद तुम्हें और सिंचन को छोड़ देगी वो। लेकिन मैं सर्बियन डांसिंग लेडी पे भरोसा कैसे करूं? क्या पता वो मेरे को वहाँ पे मार दे। फ्रैंकलिन सीरियस ही बात है, अगर तुम चाहते हो सिंचन को वापस लाना तो चुपचाप मेरे साथ सर्बियन डांसिंग लेडी के पास चलो। गाइस मेरे को सर्बियन डांसिंग लेडी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन सिंचन को बचाने के लिए मेरे को जाना ही पड़ेगा उसके पास। गाइस ये भी तो हो सकता है कि सर्बियन डांसिंग लेडी मेरे को दोस्त बनाने के लिए बुला रही हो। लेकिन गाइस मैं सर्बियन डांसिंग लेडी पे इतनी ज्यादा आसानी से भरोसा भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे को कभी भी धोखा दे सकती है। गाइस सिंचन को बचाने के लिए मेरे को सर्बियन डांसिंग लेडी पे भरोसा करके उसके पास जाना पड़ेगा, यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है तो फिर जोकर मेरे को लेके चलो सर्बियन डांसिंग लेडी के पास। ठीक है तो फ्रैंकलिन तैयार हो जाओ, मैं पोर्टल खोल रहा हूँ। और ये पोर्टल खुल गया। अरे अरे ये क्या हो रहा है? घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे ये एकदम से मैं कहाँ गया? फ्रैंकलिन तुम सर्बियन डांसिंग लेडी के अड्डे पे, अंदर जाओ तुम्हारा वेट कर रही है। तो चलो गाइस यार चलते हैं सर्बियन डांसिंग लेडी के अड्डे के अंदर, मेरे को जाने में डर तो लग रहा है, लेकिन गाइस सिंचन को बचाने के लिए मेरे को जाना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक तो गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी ने इतनी ज्यादा बड़ी फैक्ट्री को अपना अड्डा बनाया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं सर्बियन डांसिंग लेडी को यहाँ ढूंढूंगा। गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी होगी तो इसी फैक्ट्री के अंदर, लेकिन हाँ ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होगी मेरे को, तो चलो ढूंढते हैं उसको, लेट्स गो। अबे ये उसकी भी टॉयलेट क्या कर रहा है यहाँ पे? इसकी बड़ी फ्रैंकलिन तुम्हारा इंतजार था। गाइस लिटरली सर्बियन डांसिंग लेडी ने स्किबिली टॉयलेट मॉन्स्टर को भी अपना चेला बना दिया है, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। अबे एक और स्किबिली टॉयलेट मॉन्स्टर। भाई साहब कितने स्किबिली टॉयलेट मॉन्स्टर है सर्बियन डांसिंग लेडी के अड्डे पे। इसकी बड़ी फ्रैंकलिन तुम यहाँ पे कैसे आ गए? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे ओ स्किबिली टॉयलेट मॉन्स्टर, मेरे को सर्बियन डांसिंग लेडी ने बुलाया मिलने के लिए, मारियो मत मुझे। इसकी बड़ी फ्रैंकलिन तू तो बच गया, वरना आज तू मरता। बच गया गाइस, वरना तो आज ये स्किबिली टॉयलेट मॉन्स्टर मेरे को छोड़ता नहीं। चलो गाइस फटाफट यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि मेरे को पहले। अरे अब ये कौन है? गाइस यहाँ पे हर दो कदम पे मेरे को सर्बियन डांसिंग लेडी के चेले मिलने, अगर गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी ने मुझे धोखा दिया तो गाइस यहाँ से बच के निकलना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो तुम मिलने आए हो सर्बियन डांसिंग लेडी से? हाँ हाँ मेरे को बुलाया सर्बियन डांसिंग लेडी ने। बॉस मैं तो ये कहता हूँ कि इसको यहीं ठोक देते हैं। नहीं इसको सर्बियन डांसिंग लेडी ने मारने से मना करा है। गाइस ये लोग तो मेरे को मारने की बात कर रहे हैं, इससे पहले कि मेरे को पहले भाई यहाँ से निकल लो। तू तो बच गया बेटे, वरना आज तू मरता। हाँ ये चीज तो मेरे को ही पता है। गाइस यहाँ से निकल लो इससे पहले कि मेरे को पहले भाई। लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक हैं लोग। एक तो गाइस ये फैक्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सर्बियन डांसिंग लेडी को कहाँ ढूंढूं। एक काम करता हूँ इससे पूछता हूँ। अबे इसको तो मुंह ही नहीं है। गाइस इससे तो पूछने में मेरे को डर लग रहा है, लेकिन यार और कोई ऑप्शन नहीं, इससे पूछने पड़ेगा। तू मेरे को बताएगा कि सर्बियन डांसिंग लेडी कहाँ है? सीधा जाओ तुम्हें खुद रास्ता मिल जाएगा। अच्छा ठीक है मुझे सीधा जाना है, तो चलो गाइस चलते हैं। वैसे गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी के चेले भी कितने ज्यादा अजीब है, किसी का तो चेहरा नहीं है और किसी का चेहरा है तो बहुत ज्यादा अजीब है। अरे एक मिनट, यहाँ तो इसके भी टॉयलेट मॉन्स्टर है, और गाइस ये तो और भी ज्यादा अपग्रेडेड है, इसके तो लिटरली हाथ भी है। इसकी बड़ी तू यहाँ क्या कर रहा है फ्रैंकलिन? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे रुक जा, मेरे को सर्बियन डांसिंग लेडी ने बुलाया, मेरे को मार मत। इसकी बड़ी अच्छा तेरे को सर्बियन डांसिंग लेडी ने बुलाया, भज गया तू तो आज बेटा, वरना आज मैं तुझे छोड़ता नहीं। गाइस मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, वरना ये स्किबिली टॉयलेट मॉन्स्टर मेरे को छोड़ेगा नहीं। यार गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी के सारे चेले मेरे पीछे पड़े मेरे को मारने के लिए। गाइस अगर मैं इन लोगों को ना बताऊँ ना कि सर्बियन डांसिंग लेडी ने मेरे को यहाँ बुलाया तो मेरे को हैंड टू हैंड मार दे। एक तो गाइस ये सर्बियन डांसिंग लेडी पता नहीं कौन सी गुफा में जाके छुप गई है, मेरे को मिल के नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है मेरे को। अबे भाई यहाँ से जाना पड़ेगा मेरे को, अगर मेरी टांग फिसली मैं डायरेक्ट नीचे जाऊंगा। गाइस ये तो तुमने सुना होगा कि डर के आगे जीत होती है, लेकिन गाइस यहाँ पे मेरे को डर के आगे मौत दिख रही है। मैं यहाँ पे आगे जा तो रहा हूँ, लेकिन गाइस लिटरली मेरी बहुत ज्यादा खतरनाक वाली हवा टाइट हो रही है।
गाइस जैसे जैसे मैं चलता जा रहा हूँ ये और भी ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है और साथ ही मेरी हार्ट बीट भी बढ़ती आ रही है। अगर गाइस मैं यहाँ से नीचे गिरा ना लिटरली मेरी हड्डी टूटेगी कोई ना कोई सी। एक मिनट गाइस आ गए तो रास्ता ही बंद हो गया, मैं गलत जगह पे आ गया क्या? अबे भाई कोई रास्ता नहीं आगे जाने का, मैं किधर जाऊँ? गाइस यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है वो है नीचे कूदने का, लेकिन ये बहुत ऊंचा यार। अबे भाई मेरी टांग फिसल गई, मैं गया भट्ट। अबे भाई सर पे बड़ी तेज लगी यार, क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। एक तो गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी ने मेरे को इतनी ज्यादा बड़ी फैक्ट्री में बुलाया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा की मैं उसको कहाँ ढूंढू, और ऊपर से वो भाई पता नहीं कहाँ छुमंतर हो गई है। अबे अभी कौन है? अरे हाँ गाइस ये तो वो है जो हमें स्टार्टिंग में मिला था। सर्बियन डांसिंग लेडी के पास जाने के लिए तुम्हें ऊपर जाना होगा। गाइस ये तो मेरे को ऊपर पहुंचाने की बात कर रहा है। अबे ओ मेरे को सर्बियन डांसिंग लेडी ने बुलाया मिलने के लिए, मार मत मेरे को। अबे ओ चोमो मैं तेरे को ऊपर पहुंचाने की बात नहीं कर रहा, मैं तुझसे कह रहा हूँ ऊपर छत पे चला जा, वहीं पे तेरे को सर्बियन डांसिंग लेडी मिलेगी। ओ अच्छा तू मेरे को छत पे जाने के लिए कह रहा है। गाइस मेरे को तो ये लग रहा था कि मेरे को ऊपर पहुंचाने की बात कर रहा है। एक तो गाइस मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस नूबड़ी सर्बियन डांसिंग लेडी ने मेरे को ऊपर छत पे क्यों बुलाया मिलने के लिए, कहीं गाइस से ऊपर छत पे से मेरे को नीचे फेंक तो नहीं देगी। गाइस मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, मेरे को सिंचन को बचाने के लिए सर्बियन डांसिंग लेडी से मिलना ही पड़ेगा। गाइस यहाँ पर मेरे को एक सीढ़ी दिखे तो चलो फटाफट वाले छत से उतरते हैं और सबसे ज्यादा ऊंची वाली छत पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही मेरे को सर्बियन डांसिंग लेडी मिलने वाली है। अबे ये इसकी भी टॉय डांसर कहाँ से आ गए यहाँ पर, ये तो नीचे था। इसके बड़े फ्रैंकलिन डर गए क्या? नहीं नहीं मैं डरा नहीं था। चलो गाइस यार निकलते हैं, हमें सर्बियन डांसिंग लेडी से मिलना है। गाइस अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना, मैं लिटरली काफी ज्यादा डर गया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा ये। चलो गाइस चलते हैं ऊपर वाले छत पे, लेट्स गो। एक मिनट यहाँ पे सर्बियन डांसिंग लेडी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई और है। ऊपर जाओ, सर्बियन डांसिंग लेडी तुम्हारा वेट कर रही है। गाइस ये वही है जो हमें स्टार्टिंग में मिला था, और जब से मेरे को अब तक 3 बार मिल चुका है भाई, जहाँ पर मैं जाता हूँ वहीं पर आया था, टेलीपोर्ट होता है क्या? अबे क्या कर रहा है, जल्दी ऊपर जा, सर्बियन डांसिंग लेडी तेरा वेट कर रही है। अबे जा रहा हूँ ना, चिल्ला क्यों रहा है नोबड़े? अबे तमीज में बात कर वरना यहीं रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दूंगा। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ। एक मिनट गाइस देखो वो रही सर्बियन डांसिंग लेडी। गाइस मेरी यहाँ पर हवा तो टाइट हो रही है, लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। लो सर्बियन डांसिंग लेडी मैं आ गया। फ्रैंकलिन तो तुम आ गए हाँ? सर्बियन डांसिंग लेडी अब तुम फटाफट सिंचन को छोड़ दो और मेरे को ये बताओ कि आखिर तुमने क्या बात करने के लिए बुलाया मुझे। फ्रैंकलिन मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया सर्बियन डांसिंग लेडी, और सिंचन कहाँ है? फ्रैंकलिन मैंने तुम्हें मारने के लिए बुलाया है। मारने के लिए बुलाया? तुम तो मेरे साथ बात करना चाहती थी सिर्फ। फ्रैंकलिन मुझे तुझसे कुछ बात नहीं करनी है, अब तू तैयार हो जा मरने के लिए। अरे पहले ये तो बता दो तुमने सिंचन के साथ क्या करा। घबराओ मत फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें सिंचन के पास ही भेज देती हूँ, वही तुम्हें बताएगा कि आखिर मैंने उसके साथ क्या करा। इसका मतलब सर्बियन डांसिंग लेडी तू मुझे मारने वाली है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं मरूंगा लेकिन तुझे भी लेके मरूंगा। निकल यहाँ से। अरे इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा, रुक जा, निकल यहाँ से। अरे निकल यहाँ से। अरे ये तो हिली नहीं रही, मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, इसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये हिली नहीं रही। फ्रैंकलिन तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे हल्का सा भी हिला नहीं सकते। सर्बियन डांसिंग लेडी चुपचाप बता रहे तूने सिंचन को कहाँ छुपाया, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फ्रैंकलिन क्या बच्चे वाली बातें कर रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार दोगे? चलो मैं तुम्हें सिंचन के पास ही भेज देती हूँ। अरे क्या करने वाली हो तुम? फ्रैंकलिन अभी पता लग जाएगा मैं क्या करने वाली हूँ, तुम तो गए। अबे ये मैं कहाँ गया एकदम से? अरे यार फैकन भैया तुम भी आ गए यहाँ पे। अबे सिंचन तू मेरे बराबर में? अरे हाँ यार फैकन भैया मैं तो सुबह से यहीं पे हूँ। अबे सिंचन इतनी ज्यादा बदबूदार गैस कहाँ से निकल ली? अरे यार फैकन भैया ये बदबूदार गैस नहीं, ये जहरीली गैस है। जहरीली गैस है, इसका मतलब हम थोड़ी देर में मर जाएंगे। गाइस क्या तुम्हें लगता है फ्रैंकलिन और सिंचन बच पाएंगे सर्बियन डांसिंग लेडी से? क्या क्रेटोस और गोगो को पता लग पाएगा इनके बारे में, देखो अगले एपिसोड में। गाइस अगर तुम लोगों ने वीडियो को यहां तक देखा है, इसका मतलब तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी। सो गाइस अगर तुम लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं करा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार ये गलत बात है, तो इसलिए भाई यार फटाफट कर दो भाई। गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी ने मेरा पोपट बना दिया, उसने तो मेरे को बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन गाइस उसने यहां पर मेरे को जहरीली गैस के टावर पे छोड़ दिया, और यहां पर सिंचन भी है। लगता है गाइस अब हम दोनों तड़प तड़प के मरेंगे क्योंकि हम यहाँ से हिल ही नहीं पा रहे। पता नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी ने क्या मैजिक करा भाई। गाइस ना तो हमारे बारे में क्रेटोस को पता है, ना ही गोकू को पता है, और ना ही अवेंजर्स को पता है, वो भी हमारी मदद नहीं कर सकते अब। अरे यार फैकिन भैया तो हमें कौन बचाएगा, ये सर्बियन डांसिंग लेडी तो हमें मार देगी आज। अबे सिंचन अब हमें सिर्फ वही बचा सकता है जो हमारी वीडियो को देख रहा है। अरे यार फैकिन भैया वो कैसे बचा सकते हैं हमें? अबे सिंचन तो चुप तो हो जा। गाइस अब सिर्फ हमें तुम ही बचा सकते हो, तुम यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे ये करने से क्रेटोस गोकू एवेंजर्स में से किसी न किसी को हमारे बारे में पता लग जाएगा। अरे हाँ यार गाइस फटाफट कर दो, ये गैस बहुत जरा जहरीली और बदबूदार है यार।
अबे सिंचन ही एकदम से इतना ज्यादा गरम गरम क्यों लग रहा है, मेरे तो हाथ पैर जलने। अरे आया फैगन भैया मेरे भी जलने, पता नहीं क्या हो रहा है ये। अबे एक मिनट, यहाँ पे तो मसाले आ गए बहुत सारी, अबे बहुत ज्यादा गरम गरम लग रहा है। गाइस यार तुम क्या कर रहे हो, फटाफट कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वरना आज तो ये सर्बियन डांसिंग लेडी हमारे को पका ही देगी। अबे ये फ्रैंकलिन भी बहुत बड़ा चोमू है, ये सर्बियन डांसिंग लेडी की बातों में आके उससे मिलने आ गया, जैसे इसको पता नहीं कि सर्बियन डांसिंग लेडी हमारी कितनी बड़ी दुश्मन है। फ्रैंकलिन मैं तुझे बचाने आ गया, लेकिन मेरे को तेरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अरे यार गाइस लगता है तुम लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, गोकू हमें बचाने के लिए आ गया है। अरे यार फैकिन भैया हम तो बच गए, अब गोकू हमें बचा लेगा। अबे एक मिनट चुप हो सिंचन, गोकू तुम मेरे से गुस्सा हो क्या? फ्रैंकलिन अभी बताऊंगा मैं तुझसे क्यों गुस्सा हूँ, सबसे पहले मैं तुम दोनों को नीचे उतार दूं, कहीं पता लगे तुम इस गैस से ही मर जाओ। हाँ गोकू तुम हमें पहले नीचे उतार दो, वैसे भी हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। गोकू तुमने हमें नीचे उतार दिया तो अब तो बता दो कि आखिर तुम मेरे से गुस्सा क्यों हो? अबे चोमो फ्रैंकलिन, तुझसे मैंने मना करा था कि सर्बियन डांसिंग लेडी की बातों में मत आइयो, लेकिन तू सर्बियन डांसिंग लेडी की बातों में आके उससे अकेले मिलने के लिए आ गया। हाँ गोकू मैं मानता हूँ मेरे से गलती हो गई, लेकिन अभी तुम गुस्सा गुस्सा मत करो, फटाफट हमें यहाँ से बचा के लेके चलो। फ्रैंकलिन मैं तुम्हारी मदद तो करने के लिए आ गया हूँ, लेकिन मेरे को खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा पाऊंगा या नहीं बचा पाऊंगा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा पावर्स है। हाँ फ्रैंकलिन मैं मानता हूँ मेरे पास पावर्स है, लेकिन मैं अकेले सर्बियन डांसिंग लेडी और उसके सारे के सारे चेलों से कैसे लड़ूंगा? अरे यार लो वो आ गए, पीछे देखो गोकू भैया। क्या 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 कह रहे हो, आ गए वो? अच्छा एक मिनट देखता हूँ पीछे, ये तो बहुत सारे लोग हैं। तुझे क्या लगा था गोकू कि तू मेरे को मार देगा? आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, हम तीनों मिलके तुम सबको खत्म कर देंगे आज। फ्रैंकलिन ये क्रेटोस कहाँ है? उस क्रेटोस ने मेरे को उस दिन मारा था, उसका बदला लेकर रहूंगा। अगर क्रेटोस नहीं आएगा तो उसका बदला मैं तुझसे लूंगा फ्रैंकलिन। अबे और डार्क लॉर्ड जुबान संभाल के बात कर, वरना जुबान खींच लूंगा हलक में से। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम में से कोई भी फ्रैंकलिन को टच भी नहीं कर सकता। बच्चे तुझे लगता है कि तू हमें रोक लेगा? हाँ घबरा मत, सबसे पहले हम तुझे ही मारेंगे। आज हम तीनों मिलके तुम सबको मार देंगे, तुम तो गए। गोकू तुम अकेले इन तीनों को नहीं हरा सकते। फ्रैंकलिन ये चीज मेरे को ही पता है, तो तुम एक काम करो गोकू हमें छोड़ के तुम चले जाओ, वरना बेफालतू में हमारे साथ तुम भी मरोगे आज। फ्रैंकलिन ये कभी नहीं हो सकता, मैं अपने दोस्तों को कभी भी मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ता। बस बहुत बातें कर ली तुम लोगों ने, अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। अरे यार गोकू भैया अब क्या होगा, हम कैसे बचेंगे इनसे? अबे सिंचन चुप हो जा, काय को हाइपर कर रहा है। गाइस यार अब सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो, तुम यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो क्रेटोस या फिर अवेंजर्स, इन दोनों में से कोई ना कोई हमें बचाने आ जाएगा, लेकिन तुम्हें फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि हम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फ्रैंकलिन में आ गया, आज ये लोग नहीं बचेंगे। गाइस आयरन मैन हमें बचाने के लिए आ गया, लगता है तुम लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। एंड गाइस जिसने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया यार वो भी करते, हो सकता है करने से और भी अवेंजर्स हमारी मदद करने के लिए आ जाए। अरे ये जाल कहां से आ रहा है? अरे मेरे को धक्का किसने दिया, छोड़ूंगा नहीं। गोकू इसको मारना मत, ये अपना ही दोस्त है। आयरन मैन तुमने बिल्कुल सही टाइम पे बताया, मेरे को तो ये सर्बियन डांसिंग लेडी का चेले लग रहा था, मैं तो इसको बहुत मारता वरना। अरे यहाँ पे इतनी सारी बिजली कहाँ से आ गई? अबे फ्रैंकलिन ये कौन है अब? अरे गोकू ये थोर है, बिजली का देवता। अच्छा तो ये थोर है, मतलब ये भी अवेंजर्स में? हाँ ये भी अवेंजर्स में। अवेंजर्स और फ्रैंकलिन ये सर्बियन डांसिंग लेडी के चेले कहाँ चले गए? मेरे को तो लग रहा है डर के भाग गए लोग। गोकू और अवेंजर्स ध्यान से, वो डर के नहीं भागे, वो तुम लोगों पे अटैक करने वाले। मेरे को नहीं लगता फ्रैंकलिन वो हम पे अटैक करेंगे अब। लो वो आ गए बच के गोकू और अवेंजर्स। फ्रैंकलिन मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहे वो। गोकू एकदम से आएंगे बच के। अरे ये कौन आ गए एकदम से? तू बहुत बोल रहा था गोकू, रुक तेरे को बताता हूँ पहले। अरे क्या कर रहे हो? तू तो गया बेटा, अबे एकदम से अटैक करता, हिम्मत है तो सामने कहाँ गया? अबे नहीं ये कहाँ से आ गया एकदम से, फिर पीछे से आया। एक मिनट ये पत्थर निकाल रहा है, अबे इन्हें पत्थर मार दिया। एक बार सही से खड़ा होने फिर तेरे को पेलूंगा। अरे ये क्या, इसको तो आयरन मैन ने पेल दिया। आयरन मैन शुक्रिया तुम्हारा मुझे बचाने के लिए डार्क लॉर्ड से। गोकू इसमें शुक्रिया की क्या बात, तू तो मेरा दोस्त था तो ये बचाना मेरे लिए फर्ज था। अरे ये कौन आ गया एकदम से? तू तो गया बेटा, तू बच्चा बन के मेरे को मार रहा था गोकू। तेरे को तो मैं अब भी मारूंगा डेविल बॉस, चल निकल यहाँ से। आया मजा? रुक जा तेरे को तो अभी और पेलता हूँ मैं। कहाँ गया तू? हाँ ये रहा, ये निकल यहाँ से, ये निकल। आया मजा? मैं सड़ेगा, अरे मेरे मारेगा गुस्सा, तू चल निकल। अरे ये कौन आ गया? अरे ड्रैगन मास्टर पीछे से आ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो डेविल बॉस और डार्क लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है। अरे ये सारे के सारे सर्बियन डांसिंग लेडी के चेले कहाँ चले गए एकदम से? अबे ये कहाँ से आ गए एकदम से? अबे नहीं ये तो डार्क लॉर्ड है, ये तो मार रहा है मेरे को। एक बार खड़ा होने, डार्क लॉर्ड एकदम से हमला करता है तो हिम्मत है तो सामने लड़।
गोकू तुम में से कोई नहीं बचेगा आज, वो तो पता लग जाएगा डार्क लॉर्ड। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, चल निकल यहाँ से। ऑरन मैंने नहीं मारा, थोर नहीं मारा, मैंने ही मारा। अरे लेकिन मेरे को किसने मारा है? हिम्मत है तो सामने आ। ले सामने आ गया तू तो गया गोकू, मेरे को बच्चा बन के मारा था उसका पता लूंगा। अबे कहोगे अब हिम्मत है तो सामने आ, कहाँ चला गया? मैं सामने आया तो खुद गायब हो गया डेविल बॉस। नूबड़ा, अरे ये कौन है? ये किन्ने मेरे पे अटैक करा? अरे डार्क लॉर्ड को बार बार पीछे से मारता है। अरे यार मैंने थोर कहाँ से आ गए? अरे मैं गया, इन तीनों ने बहुत बुरा मारा। ओहो, इसको तो हम तीनों ने मिलके मारा एक साथ, ये तो गया, मर गया होगा पक्का। अब पारी है डेविल बॉस और ड्रैगन मास्टर की। अरे ये रहा डेविल बॉस। अरे ये क्या है? तो आयरन मैन को बहुत बुरी तरीके से मारा। रुक मैं तेरे को बताता हूँ डेविल बॉस अभी। अरे ये क्या, आयरन मैन मेरे को क्यों मारा? अरे सॉरी गोकू, तुम एकदम से सामने आ गए थे। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। फाइनली आयरन मैन और थोर हम लोगों ने मिलके सर्बियन डांसिंग लेडी के चेलो को हरा ही दिया। गोकू पता नहीं एकदम से मुझे क्या हो रहा है। अरे थोर क्या हुआ इसके साथ, मुझे बताओगे तुम? अरे गोकू मुझे भी कुछ हो रहा है, लग रहा है सर्बियन डांसिंग लेडी के चेलो ने करा होगा। मैं गया। ये सर्बियन डांसिंग लेडी के चेलो ने करा होगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इनमें से किसी को। वाह मेरी पावर्स बढ़ चुकी हैं अब। सर्बियन डांसिंग लेडी के चेलो में तुम्हें चुन चुन के मारूंगा, तुम नहीं बचोगे मेरे हाथ से। अब मेरे को अपनी पावर्स को और बढ़ाना पड़ेगा अगर मेरे को सर्बियन डांसिंग लेडी के चेलो को हराना है। और ये मैंने अपनी पावर बढ़ा दी और अब मेरे बाल बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं और मेरे पावर्स भी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। सर्बियन डांसिंग लेडी के सारे चेलों को मार कर मैं एवेंजर्स को जिंदा कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आ रहा हूँ मैं सर्बियन डांसिंग लेडी के चेलो, तुम में से कोई नहीं बचेगा आज मुझसे। गाइस क्या तुम्हें लगता है गोकू मार पाएगा सर्बियन डांसिंग लेडी के चेलो को और जिंदा कर पाएगा आयरन मैन और थोर को? देखो इस वीडियो में। गाइस गोकू थोर और आयरन मैन को जिंदा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा भाई, ये चीज बाद में देखना। सबसे पहले भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, बहुत देर हो गई तुम लोगों ने अभी तक नहीं करा भाई, फटाफट कर दो। ड्रैगन मास्टर, डार्क लॉर्ड और डेविल बॉस कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मैं ले आ गया मैं बच्चे, तू तो गया। पीछे से वार करता है, एक बार खड़ा होने दे फिर तुझे बताता हूँ मैं। अबे तू खड़ा नहीं हो पाएगा, मैं तुझे ऐसे ही मार दूंगा। बस एक बार खड़ा होने दे डार्क लॉर्ड, फिर तुझे बताता हूँ मैं। अरे मैंने और थोर को जिंदा कर ही रहूंगा। अरे नहीं क्या करा, नहीं छोड़ दे। या तो आज मैं जिंदा रहूंगा या सर्बियन डांसिंग लेडी के चेले। अरे नहीं पत्थर मार दिए मेरे। गोकू तू भी मरेगा आज आयरन मैन और थोर की तरह। नहीं मैं तुम लोगों को मार के आयरन मैन और थोर को जिंदा करूंगा। अरे गोकू कितने गुस्से मारेगा, छोड़ दे मुझे प्लीज छोड़ दे। आयरन मैन और थोर ने भी तुझसे ऐसा ही कहा होगा, लेकिन तूने उन्हें नहीं छोड़ा, तूने उन्हें मार ही दिया है ना, तो तू कैसे बचेगा? एक मिनट लगता है तो मर गया। बहुत बढ़िया, अब बारी है डेविल बॉस और ड्रैगन मास्टर की, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या, मेरी पावर्स और बढ़ गई? अब तो ड्रैगन मास्टर और डेविल बॉस तुम गए मेरे हाथ से। डेविल बॉस और ड्रैगन मास्टर कहाँ हो? हिम्मत है तो सामने आओ। बच्चे तुझे क्या लगा कि तुम मुझे मार देगा? अरे ये तो डार्क लॉर्ड की आवाज है। तू मरा नहीं डार्क लॉर्ड, लेकिन अब मरेगा। अरे नहीं ये कहाँ फेंक दिया इसने गुस्से में ही। आजा आजा डार्क लॉर्ड। अरे नहीं 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 नहीं, अरे ये क्या कर रहा है? डार्क लॉर्ड आजा, मेरे पास अब और पावर्स आ चुकी हैं, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। बच्चे तेरे पे कितनी पावर्स आ जाए तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तूने मारा था मुझे, तेरी इतनी औकात। अरे क्या कर रहे हो डार्क लॉर्ड, तुम पे इतनी पावर्स कहाँ से आ गई? बच्चे मुझे हल्के में ले रहा है क्या? पहली बात तो मेरा नाम बच्चा नहीं है, चल निकल। अब तेरे पैसा देख करूंगा तू बचेगा नहीं। अबे मैं तेरे पत्थर ही मार दूंगा। डार्क लॉर्ड तुझे पत्थर ही मारना आता है, सामने लड़ने की तेरी औकात नहीं है मुझसे। अच्छा तो यहाँ चुपके बैठा है डार्क लॉर्ड, अब तू बचेगा नहीं, चल निकल यहाँ से। गोकू तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से। डार्क लॉर्ड बहुत बोले तूने, ले चक्री खा। गोकू तुम्हारी चक्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मैं तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ ना, हिम्मत है तो सामने आओ। आजा आजा तू एक बार इधर आ, चल निकल यहाँ से गोकू। अरे नहीं तूने फिर अचानक से पत्थर मारा डार्क लॉर्ड, हिम्मत है तो सामने लड़ना, पीछे से क्यों वार करता है? बस बहुत हुआ डार्क लॉर्ड, मैं अपनी पावर को और बढ़ा लूंगा। गोकू लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, चल पत्थर का। डार्क लॉर्ड छोड़ दे मुझे छोड़ दे। अरे नहीं ये बड़ी तेज तेज पटक के मार रहा है मुझे। बस बहुत हुआ डार्क लॉर्ड, या तो आज मैं खुद मरूंगा या तुझे मार के थोर और आयरन मैन को जिंदा करूंगा। गोकू तुम मुझे नहीं हरा सकते। नहीं मैं तुझे हरा सकता हूँ, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं डार्क लॉर्ड। अरे नहीं मैं गया। फाइनली मैंने इस डार्क लॉर्ड को मार ही दिया, अब इसी तरीके से डेविल बॉस और ड्रैगन मास्टर को भी मारूंगा, लेकिन सबसे पहले इसको पूरी तरीके से मार देता हूँ। और ये गया, पूरी तरीके से जल गया ये डार्क लॉर्ड। इससे भी ज्यादा बुरी तरीके से मारूंगा डेविल बॉस और ड्रैगन मास्टर को मैं। क्या हुआ डार्क लॉर्ड, उठना अब। ये डार्क लॉर्ड तो पूरी तरीके से जल गया, अब टाइम आ चुका है अपनी पावर्स को और बढ़ाने का। ओ
और ये मैं और ज्यादा पावरफुल हो गया। मेरे बाल पूरे नीले हो चुके हैं, इसका मतलब मैं अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। ड्रैगन मास्टर और डेविल बॉस, तुम नहीं बचोगे, मेरे हाथ से मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, ये डेविल बॉस मुझे छुपके छुपके देख रहा है। रुक डेविल बॉस, तुझे बताता हूँ मैं। गोकू मैंने कुछ नहीं करा, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे, तूने आयरन मैन और थोर को मारा है। हाँ मैं नहीं मारा है, पता क्या कर लेगा तू मेरा। अभी बताता हूँ मैं तेरे साथ क्या करूंगा, चल निकल यहाँ से, निकल, आया मजा। अरे नहीं मैं गया। अरे ये डेविल बॉस कहाँ चला गया? अच्छा तो डेविल बॉस यहाँ पर है। अब मैं ऐसा अटैक करूंगा डेविल बॉस तेरे पे कि तेरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा और तू गया। ये डेविल बॉस और डार्क लॉर्ड तो गए, अब बारी है ड्रैगन मास्टर की। मैं आ रहा हूँ ड्रैगन मास्टर, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कहाँ है तू ड्रैगन मास्टर, हिम्मत है तो सामने आ। मैंने डेविल बॉस और डार्क लॉर्ड को तो मार दिया है और अब है बारी तेरी। गोकू तूने उन्हें तो मार दिया लेकिन तू मुझे नहीं मार सकता। ड्रैगन मास्टर एकदम से हमला करता है सामने से, डर, फिर तुझे बताता हूँ। अच्छा तो फिर आ रहा हूँ, सामने ही आ रहा हूँ। आ जा ड्रैगन मास्टर, तुझे बताता हूँ कि कौन पावरफुल है, चल निकल ड्रैगन मास्टर, आया मजा। गोकू मैं डार्क लॉर्ड और डेविल बॉस नहीं हूँ, तेरा तो भूत भर दूंगा। अबे तू क्या मेरा भूत भरेगा, भूत तो मैं तेरा भरूंगा। आया मजा ड्रैगन मास्टर तुझे। गोकू पीछे देख मैं आ गया। और ये कौन सा हो गया एकदम से, अरे तेरा तो मैं भूत भरूंगा गोकू, आज तो तू मरेगा। वो तो पता लग जाएगा ये कौन मरेगा कौन नहीं, लेकिन अब तू मरने वाला ड्रैगन मास्टर। अरे ये क्या करा तूने? कुछ नहीं, बस अपना स्पेशल अटैक कराया मैंने। क्या हुआ ड्रैगन मास्टर, डर के भाग गया क्या? गोकू मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे पता है ड्रैगन मास्टर, तू डरने वालों में से नहीं मरने वालों में से, इसलिए तैयार हो जा मरने के लिए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। गोकू तुम इतना खतरनाक अटैक कैसे कर रहे हो, तुम्हारे पास इतनी पावर्स कहां से आ गई? मेरे पास तो बहुत पावर्स है ड्रैगन मास्टर, तेरे को तो लिटा लिटा के मारूंगा। ये क्या, लगता है ड्रैगन मास्टर भी मर गया आखिरकार। अरे ये क्या, ये ड्रैगन मास्टर कहाँ चला गया? मतलब ये मरा नहीं, मेरे को इसको मारना पड़ेगा अगर मेरे को थोर और आयरन मैन को जिंदा करना है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अपनी पावर्स को और बढ़ाना होगा, और मेरी पावर्स बढ़ गई। अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं ड्रैगन मास्टर। कहाँ है तू ड्रैगन मास्टर, हिम्मत है तो सामने आ। गोकू तू अपनी पावर्स को कितने ही बढ़ा रहे लेकिन तू मुझे कभी नहीं हरा सकता, तू तो मरेगा आज मेरे हाथों से। कहाँ हिम्मत है तो सामने आना, ले आ गया सामने। अरे ये क्या, इसने तो बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करा है। अरे तू नहीं बचेगा आज मेरे हाथों से, तूने मेरे पे हाथ उठाया था, तू जानता नहीं मेरा नाम ड्रैगन मास्टर है। लेकिन तू मेरा नाम नहीं जानता, मेरा नाम भी गोकू है, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। गोकू जैसे मैंने आयरन मैन और थोर को मारा था वैसे ही तुझे मारूंगा। तूने मारा था आयरन मैन और थोर को? हाँ मैंने ही मारा था, और आज तू भी मरेगा। अरे नहीं, मतलब असली तो इसने मारा था आयरन मैन और थोर को, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या इसने बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करा। अरे नहीं, एक बार खड़ा होने सही से, ये नहीं, अरे ये बहुत पावरफुल है ड्रैगन मास्टर, इसने तो मेरा भूत बना दिया। लेकिन मैं भी गोकू, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे तू क्या छोड़ेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Few moments later. अरे एक मिनट, ये मैं कहाँ आ गया, लगता है मैं बेहोश हो गया हूँगा। एक मिनट, मेरे कपड़े पूरी तरीके से फट चुके हैं, इसका मतलब मेरे बेहोश होने के बाद भी ड्रैगन मास्टर ने मुझे बहुत मारा था। बस बहुत होगा ड्रैगन मास्टर, एक बार तू मेरे सामने आ जा, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे ये क्या, ड्रैगन मास्टर सामने से आ रहा है, अरे तू तो मरेगा गोकू। वो तो पता लग जाएगा ड्रैगन मास्टर, कौन मरेगा कौन नहीं, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गोकू तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। बस बहुत हुआ ड्रैगन मास्टर, तेरा चैप्टर क्रॉस करने का टाइम आ चुका है, तू नहीं बचेगा। अरे नहीं गोकू, इतना मत मारो। अरे नहीं नहीं, अरे मैं गया। मैं तेरे को जब तक मारूंगा जब तक तू मरेगा नहीं। आखिरकार इस ड्रैगन मास्टर को ही मैंने मार दिया है, अब थोर और आयरन मैन जिंदा हो गए होंगे। मुझे फ्रैंकलिन के घर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आयरन मैन और थोर जिंदा होके गए होंगे जरूर। आखिरकार सर्बियन डांसिंग लेडी के सारे चेलों को मार के मैं फ्रैंकलिन के पास आ ही गया हूँ। बहुत बढ़िया, यहाँ पे तो आयरन मैन भी है, थोर भी आएगा, और फ्रैंकलिन, सिंचन और चॉप भी आएंगे। गोकू तुम्हारी हालत देख के तो लग रहा है कि तुमने बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट करी है। फ्रैंकलिन तुमने एकदम सही सोचा, मैं एक बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट से आ रहा हूँ जिसमें मैंने ड्रैगन मास्टर, डार्क लॉर्ड और डेविल बॉस को मारा है। गोकू तुम्हारा शुक्रिया सर्बियन डांसिंग लेडी के चेलों को मार के हमें जिंदा करने के लिए। आयरन मैन इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम लोग मेरे दोस्त हो, और जब बात दोस्त पे आती है तो मैं अपनी जान तक नहीं देखता। अरे यार फैकिन भैया, ये गोकू भाई तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सिंचन बात तो तू एकदम सही कह रहा है, गोकू ने सर्बियन डांसिंग लेडी के सबसे ज्यादा पावरफुल चेलों को मार दिया। फ्रैंकलिन, सिंचन, चॉप और अवेंजर्स, मैं जाना अपनी मल्लम पट्टी कर रहे हैं, मेरे काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, तो तुम लोग अपना ध्यान रखना। फाइनली सिंचन और चॉप, अब हम लोग आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि हमें गोकू की वजह से सर्बियन डांसिंग लेडी के चेलों से छुटकारा मिल ही गया। अरे ना यार फैकन भैया, जब तक सर्बियन डांसिंग लेडी जिंदा है अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते यार।
अबे हाँ सिंचन, मैं तो सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में भूल ही गया। हमें सर्बियन डांसिंग लेडी को मारने का कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। अरे आप सब कल वह हम क्या उसको मारने का जुगाड़ करते, उसने हमें मारने का जुगाड़ कर लिया। अबे चुप, तू कहना क्या चाह रहा है, सीधे बोलना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार फैकन भैया एक बार पीछे देखो, तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा यार। अच्छा ठीक है सिंचन, देखता हूँ मैं पीछे। अबे सर्बियन डांसिंग लेडी यहाँ पे कहाँ से आ गई? क्या हुआ फ्रैंकलिन, मुझे देख के डर गए क्या? नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी मैं डरा नहीं हूँ। फ्रैंकलिन तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है कि तुम डरे नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डर चुके हो। गाइस ये कह तो सच ही रही है क्योंकि मेरे को लिटरली बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। अरे यार पैकिन भैया अब हमें कौन बचाएगा इससे? अबे सिंचन और जब तुम लोग घबराओ मत, मैं इससे निमट लूंगा, मेरे पास एक प्लान है। अब सर्बियन डांसिंग लेडी तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? फ्रैंकलिन इतने भोले मत बनो, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे पास क्यों आई हूँ। मुझे क्या पता तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, ये तो तुम ही बताओगी मुझे। फ्रैंकलिन तुम कुछ ज्यादा ही भोले बने हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। मारने के लिए आई हो लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फ्रैंकलिन तूने ही तो मेरा सब बिगाड़ा है, तूने गोगो से कह के मेरे सारे चेलों को मरवाया है ना। नहीं नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी, मैंने गोकू से कहकर तुम्हारे चेलों को नहीं मरवाया बल्कि गोकू ने खुद ही मारा है उनको। फ्रैंकलिन मेरे को बेवकूफ बनाना बंद करो, मुझे पता है तुमने अवेंजर्स को बुलवाया था गोकू की मदद करने के लिए ताकि गोकू मेरे चेलों को मार सके। गाइस इसको तो सब पता है, अब पता नहीं हमारे साथ क्या करने वाली है ये। फ्रैंकलिन तूने अवेंजर्स गोकू और क्रेटोस ने मिलके मेरे चेलों को मारा है, मैं तुम लोगों को चुन चुन के मारूंगी और अपना रिवेंज लूंगी। सर्बियन डांसिंग लेडी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मुझे पता था तुम मेरे को मारने के लिए जरूर आओगी, इसलिए मैंने पहले से तैयारी करके रख रखी थी। फ्रैंकलिन तुझे लगता है कि तेरी तैयारी तुझे मुझसे बचा लेगी, तो ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सर्बियन डांसिंग लेडी मुझे लगता नहीं बल्कि पूरा यकीन है, जो मैंने प्लान बनाया है उसका यूज करके मैं तुमसे आराम से बच सकता हूँ बल्कि तुम्हें मार भी सकता हूँ मैं सर्बियन डांसिंग लेडी, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ। फ्रैंकलिन मारने की तो दूर की बात, तू मुझे हिला तक नहीं सकता, अब तैयार हो जाए क्योंकि मैं तुझे मारने वाली हूँ। सर्बियन डांसिंग लेडी मरने की तैयारी मैं नहीं बल्कि तू कर ले क्योंकि आज तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। फ्रैंकलिन तुम्हारे पास थॉर का हैमर कहाँ से आ गया? क्यों सर्बियन डांसिंग लेडी चौक गई ना? फ्रैंकलिन हो सकता है हमारे जाने के बाद सर्बियन डांसिंग लेडी तुम्हें मारने के लिए आए, तो फ्रैंकलिन तुम मेरा हैमर ले लो, मेरे हैमर से तुम आराम से सर्बियन डांसिंग लेडी से बच सकते हो। सर्बियन डांसिंग लेडी तुम मेरे से अपने चेलों का बदला लेने के लिए आई थी लेकिन आज मैं तुमसे बदल लूंगा उसका जो तुमने मेरे साथ और सिंचन चौप के साथ करा है, तो तैयार हो जाओ मरने के लिए क्योंकि आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। फ्रैंकलिन तुम मुझे हिला भी नहीं सकते, चाहे कोशिश करके देख लो। ठीक है तो सर्बियन डांसिंग लेडी तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, चल निकल यहाँ से। इसको कुछ हुआ क्यों नहीं? चल निकल यहाँ से। अबे भाई कितना मारूं मैं तो हिल के नहीं दे रही, किस मिट्टी की बनी आखिर ये? फ्रैंकलिन तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे हिला भी नहीं सकते, आज तो तुम मरोगे। वो तो पता लग जाएगा सर्बियन डांसिंग लेडी कौन मरेगा कौन नहीं। रुक तू, तेरी तो भैंस की आंख, चल निकल यहाँ से। अबे यार गाइस मैं इसको इतना मारा हूँ लेकिन ये लिटरली हिल तक नहीं रही यार। मेरे को लगता है गाइस मेरे को नॉर्मल अटैक नहीं करने पड़ेंगे, मेरे को थोर के स्पेशल अटैक करने पड़ेंगे, जब भी जाएगा शायद मैं इसको मार पाऊँ। फ्रैंकलिन तुम कोई सा भी अटैक कर लो लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है तो सर्बियन डांसिंग लेडी तुम तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं ऐसा अटैक करूंगा जिससे बचना तुम्हारे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। ये सर्बियन डांसिंग लेडी तू गई, इसको कुछ नहीं हुआ। अरे यार फैकन भैया इसको तो कुछ नहीं हुआ यार। अबे मुझे भी दिख रहा है मैं दोबारा अटैक करूंगा। अबे भाई इसको दोबारा कुछ नहीं हुआ। अबे भाई क्या करूं मैं यहाँ पे अब? फ्रैंकलिन क्या हुआ, तुम तो मुझे मारने वाले थे लेकिन तुम यहाँ पर मुझे हिला भी नहीं पा रहे। सर्बियन डांसिंग लेडी मैं तुझे हिलाऊंगा ही नहीं बल्कि तुझे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारूंगा, तू घबरा मत। लेकिन तूने दोबारा से डांस करना क्यों शुरू कर दिया, मुझे अब गुस्सा आ रहा है। फ्रैंकलिन अभी तो तुम्हें और भी ज्यादा गुस्सा आएगा। सर्बियन डांसिंग लेडी बातों को घुमाओ मत, सीधे बोलो आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। फ्रैंकलिन एक बार पीछे देखो, तुम्हें ऐसा शौक लगेगा जिसको तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। रुक जा सर्बियन डांसिंग लेडी, मैं सबसे पहले पीछे देखता हूँ। अबे सिंचन और चुप। सर्बियन डांसिंग लेडी तूने सिंचन और चुप के साथ क्या करा है? सिंचन और चुप मेरी आवाज आ रही, कुछ बोलोगे? एक मिनट, मेरे को लगता है सिंचन और चुप मर गए। अबे सिंचन का तो बहुत ज्यादा खून निकला है और चुप के भी खून निकला है। सर्बियन डांसिंग लेडी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने सिंचन और चुप को क्यों मारा? सर्बियन डांसिंग लेडी तू मेरे से बदला लेने के लिए आई थी लेकिन तूने सिंचन और चुप को क्यों मारा? फ्रैंकलिन तूने भी मेरे चेले को ऐसे ही मरवाया था ना, अब पता लगा कैसा लगता है जब अपने मरते हैं। बस बहुत हुआ सर्बियन डांसिंग लेडी तेरा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चल निकल यहाँ से, चल निकल, चल निकल, चल निकल। अबे उसको कुछ नहीं हो रहा। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी नाचना बंद कर, मुझे तेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है, लड़ मेरे से, लड़ना। सर्बियन डांसिंग लेडी नाचना बंद कर। अबे फ्रैंकलिन ये क्या करा तूने?
सर्बियन डांसिंग लेडी, अभी तो मैंने कुछ नहीं करा, अभी मैं करने वाला हूँ। तू मेरे हाथों से बचेगी नहीं। तूने सिंचन और चौप को कैसे मारा? अरे फ्रैंकलिन, इतने ज्यादा खतरनाक अटैक। फ्रैंकलिन, मेरे को तुम्हारे अटैक से कुछ नहीं हो रहा। गाइस, सर्बियन डांसिंग लेडी ने सिंचन और चौप को मार दिया और मैं इस पे इतने खतरनाक अटैक कर रहा हूँ, लेकिन इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लिटरली अपनी जगह से हिल तक नहीं रही। तैयार हो जा फ्रैंकलिन, क्योंकि अब तेरा भी टाइम आ चुका है सिंचन और चौप की तरह ऊपर जाने का। सर्बियन डांसिंग लेडी, एक मिनट रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ, बस दो मिनट के अंदर। चलो चलो गाइस यार, फटाफट यहाँ से निकलते हैं। एक ही ऑप्शन है सर्बियन डांसिंग लेडी से बचने का। अबे ये क्या हो गया, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? वे भाई सब क्या हो रहा है, मैं भाग क्यों नहीं पा रहा यहाँ से? एक मिनट, थोर का हैमर कहाँ चला गया मेरे हाथ से? फ्रैंकलिन, मुझे क्या चोमो समझा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे बच जाओगे? अरे भाई, सर्बियन डांसिंग लेडी, जाने थे मुझे। हाँ फ्रैंकलिन, तुम जाओगे लेकिन सीधा ऊपर। अबे ये सर्बियन डांसिंग लेडी इतनी पास किस आ गई एकदम से? अरे अरे सर्बियन डांसिंग लेडी, प्लीज यार जाने दे मेरे को। फ्रैंकलिन, तुम कहीं नहीं जा सकते, आज तुम मरोगे। लगता है गाइस मेरा सही में टाइम आ चुका है ऊपर जाने का, क्योंकि गाइस यार यहाँ पे मेरे को कोई बचाने वाला भी नहीं है, ना तो क्रोटोस है, ना ही गोकू है, ना ही अवेंजर्स है। फ्रैंकलिन घबरा मत, तुझे मारने के बाद मैं अवेंजर्स, गोकू और क्रोटोस को भी मारूंगी। सर्बियन डांसिंग लेडी, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि जो मरने वाला होता है उसकी एक विश पूरी करते हैं, तो प्लीज सर्बियन डांसिंग लेडी, मारने से पहले मेरी एक विश पूरी कर दो। तुम भी क्या याद रखोगे फ्रैंकलिन, बताओ क्या है तुम्हारी विश? मेरी विश ये है सर्बियन डांसिंग लेडी कि तुम मुझे छोड़ दो, मेरे को जाने दो यहाँ से। ठीक है फ्रैंकलिन, मैंने तुम्हारी विश पूरी करी, जाओ यहाँ से। सही में सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम जाने दे रही हो मुझे? अरे फ्रैंकलिन, जब कह रही हूँ जाओ तो जाओ ना। बहुत बढ़िया गाइस, सर्बियन डांसिंग लेडी तो बहुत आराम से मान गई। बस एक बार सर्बियन डांसिंग लेडी तू मेरे को छोड़ दे और यहाँ से निकलने दे, फिर तो देख सर्बियन डांसिंग लेडी में क्रेटोस, अवेंजर्स और गोकू के साथ मिलके एक ऐसा प्लेन बनाऊंगा जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। फ्रैंकलिन, तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं अपना मूड बदलूं अभी? अरे नहीं नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी, मैं जा रहा हूँ। चलो गाइस यार फटाफट यहाँ से निकलते हैं कि इससे पहले सर्बियन डांसिंग लेडी मेरे को पहले, सर्बियन डांसिंग लेडी जो तूने मेरे और सिंचन और चौप के साथ कराया उसके बदले में मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोची होगी। चलो चलो गाइस, हमें फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा अवेंजर्स के पास, क्योंकि अब भाई हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रेटोस और गोकू तो है नहीं जो मैं उनसे मदद मांग लूं। गाइस अगर मैं रोड से जाऊंगा तो मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इवाले घर की छत पे चले आता हूँ, उसके बाद इवाले छत से कूद के दूसरी साइड चले आऊंगा, फिर वहाँ से फटाफट टैक्सी पकड़ के निकल जाऊंगा स्टार्क मैंशन की तरफ। तो चलो गाइस यार फटाफट चलते वाले छत के ऊपर, एंड हम फाइनली पहुंच चुके हैं छत के ऊपर। गाइस फटाफट हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे पहले कि सर्बियन डांसिंग लेडी अपना मूड बदले और मेरे को मारने के लिए आ जाए। फ्रैंकलिन, मैं आ गई। एक मिनट गाइस, ये तो सर्बियन डांसिंग लेडी की आवाज लग रही है, अबे आ गई है। फ्रैंकलिन, मैं इतनी जमू नहीं हूँ कि तुझे छोड़ दूं ताकि तू क्रोटोस, गोकू, अवेंजर्स के साथ मिलके मुझे मार दे। नहीं नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अबे सर्बियन डांसिंग लेडी एकदम सामने आ गई, अरे तो वहाँ थी। सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम करने क्या वाली हो? फ्रैंकलिन, कुछ नहीं, तुम्हें मारने वाली हूँ। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी, क्या कर रही हो ये? फ्रैंकलिन, आज तो ये चाकू तेरे सीने में भूक कर रहूंगी मैं। अरे नहीं नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी, क्या कर रही हो? फ्रैंकलिन, तू मरेगा आज, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो तेरे को मार करूंगी। अरे नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी, मुझे छोड़ दे, जाने दे। अरे फ्रैंकलिन, ऐसे कैसे जाने दे तुझे? तुझे तो आज मैं मार कर ही रहूंगी, तू कुछ भी कर ले, आज तू बचेगा नहीं, ये चाकू तेरे सीने में जाकर ही रहेगा। अरे ये चाकू मेरे पास आता जा रहा है, पीछे कर ले इसको सर्बियन डांसिंग लेडी। फ्रैंकलिन, बस बहुत बोले तूने, अब तेरा टाइम आ चुका है ऊपर जाने का, और ये सीने में तेरे चाकू मैंने भर दिया। अरे नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी, क्या कर दिया तूने? आखिरकार मैंने फ्रैंकलिन को मार ही दिया, अब बारी है क्रोटोस, गोकू और अवेंजर्स की, एक एक करके इन सबको मारूंगी मैं। सर्बियन डांसिंग लेडी, तूने फ्रैंकलिन को मार के अच्छा नहीं करा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे ये नया नमूना कौन है लगता है, इसको भी मरना है। अरे ये क्या क्रोटोस, अच्छा करा तुम यहाँ पर आए, वरना मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी तुम्हें मारने के लिए। आज मैं तुम्हारा भी गेम बजा दूंगी जैसे मैंने इस फ्रैंकलिन का बजाया है। सर्बियन डांसिंग लेडी, तू क्या मेरा गेम बजाएगी? गेम तो मैं तेरा बजाऊंगा। अच्छा तो तू मेरा गेम बजाएगा, रुक सबसे पहले तुझे ही मारती हूँ, चल निकल यहाँ से। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी, क्या करा तूने? क्रोटोस, तू तो मेरे को मारने वाला था, क्या हुआ, निकल गई सारी हेकड़ी? मेरे को मारेगा जैसे मैंने इस क्रोटोस को मारा है, उससे भी ज्यादा बुरी तरीके से मैं गोकू और अवेंजर्स को मारूंगी। आ रही हूँ मैं गोकू और अवेंजर्स, तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं। सर्बियन डांसिंग लेडी, कहाँ जा रही हो? अरे ये क्या क्रोटोस, तू अभी मरा नहीं। सर्बियन डांसिंग लेडी, तुझे क्या लगा कि तू मुझे इतनी आराम से मार देगी? बस बहुत हुआ क्रोटोस तेरा, चल निकल यहाँ से। अरे ये क्या एकदम से हमला करती है? अरे ये क्या, ये क्रोटोस तो एक ही चाटे में मर गया, बहुत बढ़िया। क्या हुआ क्रोटोस, अभी तो मेरे को मारने की बात कर रहा था, तू खड़ा हो ना।
सर्बियन डांसिंग लेडी ले मैं दोबारा खड़ा हो गया, या तो आज मैं जिंदा रहूंगा या फिर तू। क्रेटोस बहुत हुआ तेरा, तेरे को तो मैं अब लिट्टा लिट्टा के मारूंगी। अरे अरे सर्बियन डांसिंग लेडी क्या करिए, रुक तेरे को तो अभी बताता हूँ, ले गुस्सा का रुक, सर्बियन डांसिंग लेडी ले और गुस्सा का। क्रेटोस तो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। सर्बियन डांसिंग लेडी तेरा तो गला दबा के मारूंगा। अबे तू क्या मार गया गला दबा के, लेखा लेखा लगता है तेरे खिलाफ मुझे क्रेटोस मैजिकल पावर्स का यूज करना ही पड़ेगा। अरे ये क्या, मैं एकदम से इस कुर्सी पे कैसे बैठ गया और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। क्रेटोस मैंने अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके तुम्हें इस कुर्सी पे अटका दिया है और अब तुम्हारी बारी है मरने की, मैं तुम्हें जिंदा जलाने वाली हूँ। अरे नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी मुझे जाने दो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे जाने दूं तुझे क्रेटोस, आज तो तुझे मैं जिंदा जलाऊंगी। नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी मैं यहाँ से चले आऊंगा। क्रेटोस तूने हेरेल की कुर्सी तो गिरा दी लेकिन तू इस कुर्सी से उठ नहीं सकता। अरे ये क्या, मेरी कुर्सी खुद ही खुद उठ गई। क्रेटोस की कुर्सी खुद नहीं उठी, मैंने उठाई अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके और अब टाइम आ चुका है तुझे जिंदा जलाने का। सर्बियन डांसिंग लेडी मुझे जाने दे प्लीज। अरे ऐसे कैसे जाने दूं तुझे, तो आज मैं जिंदा जलाऊंगी, बस दो मिनट रुक जा। सर्बियन डांसिंग लेडी ये तो अच्छा नहीं कर रही, मेरा बदला जरूर तुझसे अवेंजर्स और गोकू लेंगे। क्रेटोस तो घबरा मत, एक बार बस मैं तुझे मार दूं, उसके बाद एक एक करके गोकू और अवेंजर्स को भी मारूंगी। तैयार हो जा क्रेटोस, क्योंकि अब तू मरने वाला है वो भी जिंदा जल के। अरे कोई तो बचाओ मुझे इससे। क्रेटोस कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। अरे फ्रैंकलिन तुम जिंदा हो? हाँ गोकू जिंदा तो हूँ लेकिन पता नहीं कब तक जिंदा रहूंगा, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इस सर्बियन डांसिंग लेडी को तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। ओ सर्बियन डांसिंग लेडी अगर तूने क्रेटोस को छुआ भी ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गोकू तुमने आने में देर कर दी, अब पहले मैं क्रेटोस को मारूंगी उसके बाद तुम्हें। क्रेटोस तैयार हो जा जल के मरने के लिए, और ये मैंने आग लगा दी। नहीं 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 सर्बियन डांसिंग लेडी मैं गया। बहुत बढ़िया, ये क्रेटोस तो गया और अब बारी है गोकू की। आखिरकार मैंने इस क्रेटोस को तो मार ही दिया और अब बारी है गोकू की। तैयार हो जाए गोकू, क्योंकि आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अबे तू क्या मुझे नहीं छोड़ेगी सर्बियन डांसिंग लेडी? छोड़ूंगा तो मैं तुझे नहीं, तूने जो फ्रैंकलिन और क्रेटोस के साथ कराया उसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा। बस बहुत बोले तूने गोकू के बच्चे, अब तैयार हो जा मरने के लिए, क्योंकि आज मैं तुझे मार कर ही दम लूंगी। मरने के लिए तैयार मैं नहीं, तू हो जा सर्बियन डांसिंग लेडी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने फ्रैंकलिन और क्रेटोस को कैसे मारा? यहाँ पे तो मेरी पावर्स भी बढ़ चुकी हैं सर्बियन डांसिंग लेडी, तू तो मरेगी आज मेरे हाथों से। क्यों क्या हुआ सर्बियन डांसिंग लेडी, मुझसे डर के पीछे चली गई क्या? गोकू मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुझसे डरूंगी, और हाँ तू अपने आप को कितना ही अपग्रेड कर ले तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अब तो तैयार हो जा मरने के लिए। सर्बियन डांसिंग लेडी तू क्या मुझे मारेगी? मारूंगा तो मैं तुझे आज। अच्छा तो गोकू अब देख मैं क्या करती हूँ। अरे ये सर्बियन डांसिंग लेडी कहाँ चली गई एकदम से? मुझे लगता है कि सर्बियन डांसिंग लेडी जरूर एकदम से हमला करेगी अपने चेलों की तरह। मैं भी तैयार हूँ फुल, आजा सर्बियन डांसिंग लेडी। गोकू तू तो गया। अरे ये क्या, सर्बियन डांसिंग लेडी ने इतने दूर फेंक दिया, और ये तो बहुत पावरफुल लग रही है मुझे, लेकिन मैं भी बहुत पावरफुल हूँ, तो छोड़ूंगा नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी। आजा 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 सर्बियन डांसिंग लेडी सामने से आजा, फिर तुझे बताता हूँ कि कौन ज्यादा पावरफुल है। गोकू तूने बुलाया और मैं आ गई, चल निकल यहाँ से। रुक तेरी तो बहस क्या, तेरे को तो इतना मारूंगी कि तेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी गोकू। बस बहुत हुआ तेरा सर्बियन डांसिंग लेडी, अब मैं बताता हूँ कि मैं कितना पावरफुल हूँ। चल निकल चल निकल चल निकल, आया मजा? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे ये क्या, इतने तो बड़ी तेरी गुस्सा मारा, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी, चल निकल। एक ही गुस्से में गई ना। अरे ये कौन से आ गए एकदम से? अरे तेरे को क्या लगता है गोकू कि तेरे गुस्से से मुझे कुछ हुआ? क्यों आया मजा? मजा मुझे नहीं तुझे आएगा। क्यों आया मजा गुस्सा खा के? अरे मजा तो तुझे आएगा ले पत्थर का तू। अरे नहीं, ये पत्थर कहाँ से मार दिया ने एकदम से? आजा आजा सर्बियन डांसिंग लेडी खुले में, फिर तुझे बताता हूँ कि कौन ज्यादा पावरफुल है। गोकू मैं आ गई, चल निकल यहाँ से। क्यों आया मजा? सर्बियन डांसिंग लेडी हमेशा पीछे से वार करती है, रुक तेरे को तो मैं बताता हूँ ले गुस्सा खा। एक ही गुस्से में गई ना। गोकू तुम्हारे गुस्से से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रुक तेरे को तो मैं अभी बताती हूँ। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी इतनी फास्ट स्पीड से कैसे आ गई? अरे मैं गया। अरे क्या कर रही है सर्बियन डांसिंग लेडी तू? अभी तो रुक देख मैं क्या करती हूँ ले पत्थर का। सर्बियन डांसिंग लेडी तू बचेगी नहीं मेरे हाथ से। सर्बियन डांसिंग लेडी को मेरे गुस्से से कुछ फर्क नहीं पड़ा। अरे ये कौन से आ गई? तेरे को तो पत्थर मारूंगी। अरे नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी ये क्या कर रही हो? मैं गया। Few moments later. अरे ये मैं कहाँ आ गई एकदम से, और इतने लोग मेरे पे फायर क्यों कर रहे हैं? गोकू तू तो मरेगा आज मेरे हाथों से। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी तूने फिर पीछे से वार करा। गोकू अब देख मैं क्या करती हूँ, गाड़ी तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगी। अरे अरे रुक जा सर्बियन डांसिंग लेडी क्या कर रही है? गोकू तू तो गया।
अरे इसने मेरे गाड़ी फेंक के मारी लेकिन मैं बच गया। अरे ये क्या दूसरी गाड़ी फेंक के मारी? अरे मैं क्या, ये क्या कर? गोकू तूने मेरे चेलो को मारा था ना, आज मैं तुझसे बदला लेकर आऊंगी, आज तो तू मरेगी मेरे हाथ से। लेखा अरे ये क्या करा तूने? अरे मैं गई पीछे देख। अरे ये कौन सा आ गई? अरे सर्बियन डांसिंग लेडी तुझे कुछ होता क्यों नहीं है? मुझे कुछ नहीं हो सकता गोकू तेरे अटैकों से। सर्बियन डांसिंग लेडी मुझे खड़ा होने दे फिर तुझे बताता हूँ। अरे नहीं नहीं कार मत फेंक के मारियो, तू मरेगा, निकल यहाँ से। ले कार फेंक दी। अरे अरे मैं गया। सर्बियन डांसिंग लेडी छोड़ दे मुझे। अरे नहीं मैं गया। Few moments later, सर्बियन डांसिंग लेडी ने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया था और अब पता नहीं मैं कहाँ चुका हूँ। मेरे से सही से चला भी नहीं जा रहा। ये सर्बियन डांसिंग लेडी तो बहुत पावरफुल है। अरे नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी दोबारा आ गई, लगता है मुझे मार के दम लेगी। मरेगा तू गोकू, आज जब तक तू नहीं मारेगा जब तक मारूंगी। सर्बियन डांसिंग लेडी मुझे यहाँ से जान दे, अपने पावर्स को बढ़ा के आन दे फिर तुझे बताता हूँ। अरे मुझे पता है तू मुझे मार सकता है, मैं ऐसा मौका तुझे दूंगी नहीं, मैं तुझे जब तक मारूंगी जब तक तुम मर नहीं जाता। अरे नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी जाने दे मुझे। ऐसे कैसे जाने दूं गोकू तुझे, तुझे तो मैं बहुत मारूंगी। अरे नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी मुझसे खड़ा तक नहीं हो जा रहा, मेरे से अभी क्यों लड़ रही है तू? सर्बियन डांसिंग लेडी अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे जब लड़ी हो, जब मेरे पास पावर्स हो। गोकू तू अपनी पावर्स को कभी नहीं बढ़ा पाएगा, मैं तुझे अभी मार दूंगी। नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी में गया। Few moments later, सर्बियन डांसिंग लेडी ने मुझे इतना मारा कि मैं दोबारा बेहोश हो गया और अब तो मेरे कपड़े भी पूरी तरीके से फट चुके और मेरे से सही से चला भी नहीं जा रहा है अभी। सर्बियन डांसिंग लेडी ने क्रेटोस और फ्रैंकलिन को मार दिया। अगर मेरे को उनका बदला लेना है सर्बियन डांसिंग लेडी से तो मुझे उसको मारना होगा। उसके लिए मुझे अपनी पावर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, इसलिए तुम फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गोकू तेरी पावर्स कभी नहीं बढ़ सकती क्योंकि कोई भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। नहीं नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी करेंगे, तुम मरेगी। गाइस फटाफट कर दो, यही मौका है अपनी पावर्स को अपग्रेड करने का और मेरी पावर्स अपग्रेड नहीं हो पा रही। लगता है तुम लोगों ने पूरी तरीके से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। फटाफट कर दो, मैं अपनी पावर्स को बढ़ा लूंगा। हो गई मेरी पावर्स अपग्रेड। लगता है तुम लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। आजा सर्बियन डांसिंग लेडी तुझे तो मैं अब बताता हूँ। गोकू तू तो मरेगा क्योंकि बहुत कम लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करा है। अरे नहीं काफी लोगों ने करा है, अरे किसी लोगों ने नहीं करा, जब भी तो तू मेरे से पिट रहा है। गाइस फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो वरना ये मुझे भी मार देगी। मरेगा गोकू तू मरेगा। नहीं नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी जो जो मेरी वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मेरी पावर्स भी बढ़ेंगी और तू मरेगी। गोकू कोई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। नहीं बहुत लोगों ने कर दिया, अब तो तू मरेगी मेरे हाथों से। सर्बियन डांसिंग लेडी मेरी पावर अपग्रेड हो चुकी है, मैं तुझे इतना मारूंगा तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे ये सर्बियन डांसिंग लेडी कहाँ चली गई? अरे ये क्या हो रहा है, मेरी पावर कम हो गई। ये सर्बियन डांसिंग लेडी लग रहा है जान पूछ के मेरे सामने नहीं आ रही जब मेरी पावर बढ़ी हुई है। आजा सर्बियन डांसिंग लेडी तेरे अंदर हिम्मत है तो सामने आ गई मैं। गोकू तू घबरा मत, तुझे तो मारूंगी। अरे इसकी आवाज कहाँ से आ रही है ये? अरे गोकू तू मचेगा नहीं मेरे हाथ से। सर्बियन डांसिंग लेडी फिर तूने पीछे से मारा, ये तो फिर सामने से मारती हूँ। कार खा निकल यहाँ से। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी क्या कर रही है, कार की मारी हिम्मत है तो सामने लड़ना, ये तो फिर निकल यहाँ से, क्यों आया मजा। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी अरे क्या कर रही है बार बार ये। अरे तू मरेगा गोकू। अरे नहीं क्या कर रही है, ले दोबारा कार खराब तो तेरे सीधा मुंह पे कार मारूंगी, हिम्मत है तो सामने लड़ना, ले तो फिर तेरे को पकड़ के पेलती हूँ मैं। रुक तेरी तो बहस किया गोकू के बच्चे, तूने मेरे चेलो को मारा था लेखा। रुक गोकू तेरे तो मैं सीधा पत्थर मारती हूँ, रुक तेरी तो बहस किया। सर्बियन डांसिंग लेडी लेकिन मैं ऐसा होने दूंगा, चल निकल यहाँ से। यही टाइम अपनी पावर्स को अपग्रेड करने को और मेरी पावर्स बढ़ गई। तेरी पावर्स कितनी अपग्रेड हो जाए लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ये सर्बियन डांसिंग लेडी तो मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है, मेरी पावर और कम हो गई। अरे नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी कार मत फेंकियो, तू मरेगा गोकू आज मेरे हाथ से तू। अरे नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी कौन से अटैक कर रही है? अरे नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी कितने गुस्से मारेगी? रुक रुक सर्बियन डांसिंग लेडी अब मैं भी तेरे पे स्पेशल अटैक करूंगा, रुक तेरी तो बहस क्या। अरे एक मिनट ये सर्बियन डांसिंग लेडी कहाँ चली गई? मुझे लगता है सर्बियन डांसिंग लेडी फाइट छोड़ के चली गई है क्योंकि वो भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा थक चुकी है और यहाँ पे मेरी पावर्स कम होती जा रही हैं। मुझे फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा कि इससे पहले सर्बियन डांसिंग लेडी आए। चलो चलो गाइस यार मेरे को फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे पहले कि सर्बियन डांसिंग लेडी आए। अरे एक मिनट यहाँ पे सब लोग भाग क्यों रहे, मुझे जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी लग रही है। गोकू गड़बड़ी तो है क्योंकि मैं आ चुकी हूँ, तुझे क्या लगा था कि तुम उससे बच जाएगा? मेरे पास बस अभी
इतनी पावर्स बची हैं कि मैं अपने आप को एक बार अपग्रेड कर सकता हूँ। पहले सर्पेंट डांसिंग लेडी को पीछे करता हूँ। सर्पेंट डांसिंग लेडी निकल यहाँ से। यहाँ पे मैंने पूरा दम लगा के अपने आप को आखिरी बार अपग्रेड कर लिया। सर्पेंट डांसिंग लेडी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब मेरे पास थोड़ी सी एनर्जी बची है। अरे तेरी एनर्जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती गोकू। सर्बियन डांसिंग लेडी तू बचेगी नहीं मेरे हाथ से, निकल यहाँ से। अरे इसके घूसा मारा लेकिन मैं ही इतनी दूर जाके गिर गया। सर्बियन डांसिंग लेडी तो और ज्यादा पावरफुल हो गई। मरेगा कोकू तू आज मेरे हाथ से, जब तक मैं तुझे नहीं मारूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। तुझे मार के अपने चेलों का बदला लूंगी। अरे ये किसने मारा? अरे सर्बियन डांसिंग लेडी तू एकदम से मेरे पीछे कैसे आ गई? निकल यहाँ से कोकू के बच्चे। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी मुंह पे क्यों मार रही है? अरे तेरे का तो मैं हर जगह मारूंगी, निकल यहाँ से। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी छोड़ दे, पटक क्यों रही है? जब तक मारूंगी तुझे जब तक तुम मर नहीं जाता कोकू। अरे नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी छोड़ दे मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, तू तो मरेगा आज। अरे ये सर्बियन डांसिंग लेडी एकदम से कहां चल गई? पीछे देख गोकू, भागो यहां से। अरे कहां भाग रहा था रुक, पत्थर का पहले निकल यहां से। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी मुझे मार के दम लेगी क्या? अरे तुझे मैं जब तक मारूंगी जब तक तेरी हड्डी पसली एक नहीं हो जाती। गोकू तू मेरे हाथ से मर कर ही रहेगा। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी क्या कर रही है? गोकू आज मैं तुझे मार कर रहूंगी। अरे ये किसने मार दिया मेरे? अरे ये सर्बियन डांसिंग लेडी एकदम से किससे लड़ने लग गई? एक मिनट, ये तो आयरन मैन तू क्या कर रहा है यहाँ पे? गोकू मैं तुम्हें सर्बियन डांसिंग लेडी से बचाने के लिए आया हूँ। आयरन मैन ध्यान से लड़ना है, इससे बहुत पावरफुल है। अरे तुम घबराओ मत, मैं इसको मारूंगा, तू बचेगी नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी मेरे हाथ से। अरे ये दोनों तो लड़ते लड़ते पता नहीं कहाँ चले गए। अरे कहाँ गए ये लोग? अच्छा यहाँ पे लड़ना है दोनों। सर्बियन डांसिंग लेडी आयरन मैन को छोड़ दे वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू बहुत बोल रहा है गोकू, सबसे पहले तुझे ही मारती हूँ। सर्बियन डांसिंग लेडी गोकू को छू भी मत लियो, मैं तेरा भूत बना दूंगा। निकल यहाँ से। गोकू तू नहीं बुलाया ना आयरन मैन को, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुक जा, तेरी तो बहस क्या। सर्बियन डांसिंग लेडी चल निकल यहाँ से, गोकू के पास भी मत आइयो, मैं तुझे अपनी बीम से भून दूंगा रख के। अरे अरे आयरन मैन कितनी बीम मारेगा, छोड़ भी दे अब। सर्बियन डांसिंग लेडी मैं जब तक तेरे बीम मारूंगा जब तक तू मर नहीं जाती। आयरन मैन तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पटक पटक के मारूंगी। गोकू तू क्या सोच रहा था, मौका देख के अपग्रेड कर लेगा? अरे ये किसने मारा पीछे से? आयरन मैन तू बार बार पीछे से मारता है, मैं गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आयरन मैन यहाँ पे आके मुझे बचाने के लिए सर्बियन डांसिंग लेडी से। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात, मुझे तुम्हें बचाने था, आखिर तुम मेरे दोस्त। और अरे एक मिनट, मेरी पावर्स और कम हो गई। अरे कोको तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है, तुम्हें फटाफट घर पे जाना चाहिए। आयरन मैन कह तो सही रहे हो तुम, मेरे को जल्दी घर पे जाना चाहिए, लेकिन एक मिनट ये सर्बियन डांसिंग लेडी कहाँ गई? गोको संभल के, सर्बियन डांसिंग लेडी आ रही पीछे से। अरे अरे सर्बियन डांसिंग लेडी तू दोबारा आ गई। गोको तुझे क्या लगा था कि तुम दोनों मिलके मुझे मार दोगे? रुक जा, सबसे पहले तो इस आयरन मैन को ही मारती हूँ, इसके वजह से मैं एक बार बेहोश हो गई थी। सर्बियन डांसिंग लेडी आयरन मैन को छोड़ दे, रुक जा तेरे पे तो मैं स्पेशल अटैक करता हूँ, चल निकल यहाँ से। अरे कहाँ गई ये सर्बियन डांसिंग लेडी? अरे फिर पीछे से वार करा सर्बियन डांसिंग लेडी। सर्बियन डांसिंग लेडी चल निकल यहाँ से, तू कोकू को टच भी नहीं कर सकती जब तक मैं यहाँ पर हूँ। कहाँ जा रही है सर्बियन डांसिंग लेडी? रुक जा मैं आ रहा हूँ। अरे ये आयरन मैन कहाँ चला गया? अच्छा तो सर्बियन डांसिंग लेडी और आयरन मैन यहाँ लड़ रहे। अरे ये क्या, सर्बियन डांसिंग लेडी तो आयरन मैन को बहुत बुरी तरीके से मार रही है। नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी आयरन मैन को छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी, मरेगा आयरन मैन और उसके बाद तू। यहाँ पे मेरी पावर अपग्रेड हो चुकी है। सर्बियन डांसिंग लेडी तू आयरन मैन को कुछ नहीं कहेगी, छोड़ दे आयरन मैन को, मेरे से लड़। आयरन मैन को तो मैंने मार दिया और अब बारी है तेरी कोकू। नहीं तूने आयरन मैन के साथ क्या करा? कुछ नहीं, बस उसको मार दिया और अब बारी है तेरी कोकू। अब देख मैं क्या करती हूँ। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी मुझे एक बार खड़ा दे, फिर तुझे बताता हूँ। अरे मैं तुझे खड़ा ही नहीं होने दूंगी, तेरे को तो मैं इतनी ज्यादा पूरी तरीके से मारूंगा नहीं, पत्थर का पहले। सर्बियन डांसिंग लेडी तूने मुझे पूरा खुनमकान कर दिया, कहाँ गई तू? ले पत्थर का पहले। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी क्या करा तूने, पत्थर क्यों मारा एकदम से? अच्छा तो गोकू ले सामने से खा पत्थर, तैयार हो जाए क्योंकि अब मैं तेरे सीधे सर पे पत्थर मारूंगी। नहीं नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी क्या कर रही है तू ये? अरे तू मरेगा कोकू आज मेरे से। सर्बियन डांसिंग लेडी तूने आयरन को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ले घूसे का। आया मजा, लगता है सर्बियन डांसिंग लेडी बेहोश हो चुकी है। अब इससे पहले दोबारा खड़ी हो, फटाफट यहाँ से निकलता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं उस सर्बियन डांसिंग लेडी से बच गया हूँ, लेकिन अफसोस तो मुझे इसका है कि मैं अपनी किसी भी दोस्त को उससे नहीं बचा पाया। उसने फ्रैंकलिन को ही मार दिया, क्रिटोस को भी मार दिया, आयरन मैन को भी मार दिया, वो भी मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। गोकू तुझे क्या लगा था कि तुम उससे बच जाएगा? अब तैयार हो जाए क्योंकि मैं तुझे मारने वाली हूँ। सर्बियन डांसिंग लेडी तुम करने क्या वाली हो? अभी पता लग जाएगा मैं क्या करने वाली हूँ। देख मेरे चाकू निकालिए, चाकू तेरे सीने में भोंक दूंगी।
मैं तो भाग जाऊंगा तुझसे सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। गोकू कहाँ भागोगे डर के, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। आज तो ये चाकू गोकू तेरे सीने में जाकर ही रहेगा। नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी, मुझे जानते हो जब मेरे पे पावर्स हों जब लड़ियो मुझसे। गोकू मैं तुझे पावर्स बढ़ाने का मौका दूंगी ही नहीं। बस बहुत हुआ गोकू, अब मैं अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके तुझे रोकूंगी। सर्बियन डांसिंग लेडी तूने क्या कर दिया, मैं भाग क्यों नहीं पा रहा। सर्बियन डांसिंग लेडी से भागेगा तू गोकू, तू जानता नहीं कि मेरे पास मैजिकल पावर्स है। क्यों क्या हुआ, भागना अब। सर्बियन डांसिंग लेडी तू क्या करने वाली है अब। गोकू सबसे पहले तो मैं तुझे लिटाती हूँ मार मार के। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी क्या कर रही है तू ये। कुछ नहीं, बस पहले मैं तुझे लिटाऊंगी और उसके बाद तेरी गर्दन काटूंगी। नहीं नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी गर्दन मत काटियो मेरी। नहीं नहीं गोकू तेरी तो गर्दन ही काटूंगी मैं। अरे एक मिनट, ये कौन आ रहा है। अरे यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। मुजरा हो रहा है मुजरा। मैं पुलिस को बताऊंगी जाके। पुलिस को बताएगी ले, हाँ यहाँ से पुलिस को बताएगी। और तुम लोग यहाँ से जा रहे हो, तुम्हें भी मारो उसकी तरह। नहीं नहीं जा रहे हम जा रहे। बहुत बढ़िया, यहाँ पे तो सब क्लियर है। अब मैं गोकू तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी। पहले तेरे सीने में चाकू भोंकूंगी और फिर तेरी गर्दन काटूंगी। सर्बियन डांसिंग लेडी अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे यहाँ से जान दे, अपनी पावर्स को बढ़ा के आन दे, फिर तुझे बताता हूँ कि कौन ज्यादा पावरफुल है। गोकू मैं तुझे ऐसा मौका दूंगी नहीं, बस तूने अब बहुत बोली, अब तैयार हो जाए मरने के लिए, क्योंकि ये चाकू अब तेरे सीने में जाने वाला है और उसके बाद तेरी गर्दन काटूंगी। सर्बियन डांसिंग लेडी गोकू को टच भी मत कर लियो। अरे अब ये नया नमूना कौन है, रुक जा इसको ही बताती हूँ। गोकू तू किस किस को बुला रहा है, पहले आयरन मैन को बुलाया था, पता नहीं तूने किसको बुलाया। अरे ये क्या है, इसको तो मैंने पहली दफा देखा है। मेरा नाम नरूटो है और तूने मेरे दोस्त गोकू को मारा है। हाँ तो तू क्या कर लेगा बे। देख तुझ पे अब भी टाइम है, यहाँ से चली जा। अबे ओ नहीं जाऊंगी यहाँ से, बता तू क्या कर लेगा। फिर तो तू तैयार हो जा मरने के लिए। सो गाइस इस मूवी के पार्ट के अंदर बस इतना ही, एंड अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड हाँ कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर से लिख देना। एंड गाइस ये भी हो सकता है तुम ये वीडियो जब देख रहे हो, जब मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट निकाले तो हो सकता है तुम्हें स्क्रीन पे इसका नेक्स्ट पार्ट दिख रहा हो, तो वहां पे क्लिक करके भी नेक्स्ट पार्ट देख सकते हो तुम।